हेलो दोस्तों तो आपका मेरी चैनल में स्वागत है तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको कठपुतली फिल्म के रिगार्डिंग बातचीत करके बताने वाला हूं जहां पे इस फिल्म से रिगार्डिंग सभी डिटेलिंग मिलने वाली है फिल्म किस तरह से कैसे ऑफिशियली आपको ओ टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी उसकी जानकारी देने वाला हूँ इसके अलावा फिल्म से छोटी से छोटी डिटेल से लेकर फिल्म से साथ जुड़ी जितनी भी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो बात है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंटरटेन होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो आज का हमारे वीडियो शुरू करते हैं कठपुतली जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है इस फिल्म का जो जोनर है वो है साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर जहाँ पे फिल्म एक रीमेक फिल्म है इस फिल्म को राजशासन फिल्म से रीमेक किया गया है जो 2018 की तमिल लैंग्वेज फिल्म थी उस फिल्म को राम कुमार ने लिखा हुआ था राजशासन एक कल्ट क्लासिक फिल्म है जहाँ पे वो एक स्लेसर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी विष्णु विशाल अमलापोल सर्वानंद लीड रोल में थे फिल्म का मीडियम काइंड ऑफ बजट था बी बॉक्स ऑफिस पे 20 से 30 करोड़ जितना कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा हिट का टैग लिया और उसके बाद में एक कल्ट क्लासिक फिल्म साबित हुई और उसके बाद में रसासन फिल्म का तमिल और हिंदी वर्जन सॉरी तेलुगु और हिंदी वर्जन में रीमेक किया गया जहाँ पे तेलुगु वर्जन में रक्षा सूडो नाम दिया गया उसको भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था वहीं पर हिंदी वर्जन को पहले मिशन सिंड्रेला नाम देने वाले थे लेकिन बाद में कठपुतली नाम के साथ अक्षय कुमार को लेते हुए रीमेक किया गया था तो रसा फिल्म को वैसे तो फ्रेम बाई फ्रेम ही कॉपी किया गया कह सकते हैं लेकिन फिल्म को थोड़ा अलग लोकेशन में सेट किया हुआ है और हिंदी नेटिविटी के हिसाब से अक्षय कुमार का जो एक हो है उसके हिसाब से स्क्रिप्टिंग में थोड़े चेंजेस किए हुए हैं तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रंजीत एम तिवारी ने कहानी अरोरा ने डेवलप किया हुआ था हिंदी वर्जन के लिए स्क्रीन प्ले तो तुषा त्रिवेदी ने लिखा हुआ है ओरिजिनल स्टोरी तो राम कुमार की ही थी जिन्होंने रसासन को ही बनाया हुआ है इस फिल्म को एक मीडियम टू हाई बजट के साथ बनाया हुआ था करीबन सौ करोड़ के ऊपर का इस फिल्म का बजट बताया जा रहा है वहीं पर इस फिल्म को वासु भगनानी जेके भगनानी और दीपिका देशमुख ने मिलकर प्रोड्यूस किया हुआ था पूजा एंटरटेनमेंट के नीचे जिनको पहले थिएटर में इस फिल्म को रिलीज करने वाले थे लेकिन बाद में इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी के ऊपर प्रीमियर करवा दिया गया था जिसके डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स ओटीटी के डिज्नी प्लस होस्टल वालों ने खरीदे हुए थे अब मैं आपको बता देता हूँ इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर तो अक्षय कुमार रकुलप्रीत सिंह जोसवा ले क्लेयर आपको इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा चंद्रचूर सिंह सरगुन मेहता सुजीत शंकर जैसे दूसरे भी बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे जहाँ पे कौन सा एक्टर कौन सा रोल करा है उसके ऊपर बातचीत करें तो एस आई अर्चन सेठी के रोल में अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे दिव्या बक्सी के रोल में रकुलप्रीत सिंह देखने को मिलेगी इसके अलावा क्रिस्टोफर एग्निस फर्नांडिस के रोल में जोसवा लेख देखने को मिलेंगे नरिंदर सिंह के रोल में चंद्रशोर सिंह देखने को मिलेंगे एस एच ओ गुड़िया परमार के रोल में सरगुन मेहता देखने को मिलेगी वहीं पे पुरुषोत्तम तोमार के रोल में सुजीत शंकर देखने को मिलेंगे हेड कांस्टेबल महेंद्र गुलेरिया के रोल में गुरप्रीत गुग्गी देखने को मिलेंगे ईसा रविचंद्रन मच्छान के रोल में शाहिद लतीफ देखने को मिलेंगे सीमा सेठी सिंह के रोल में हरिशिता भट्ट देखने को मिलेगी पायल सिंह ने इस फिल्म में पायल सिंह वाला जो किरदार है वो रेना है, तेजानी ने प्ले किया हुआ है अजय रोशनी बेनीवाल के रोल में आपको सुहानी धंकी देखने को मिलेगी वहीं पे सोफिया के रोल में सुहानी सेठी ने काम किया हुआ है शिल्पा सपनेकर ने इस फिल्म में क्लास टीचर का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म के प्रोमिनेट कास्ट है जिन्होंने इसमें काफी ज्यादा इंपोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए जो कहानी है उसमें इन सभी किरदारों का काफी इंपोर्टेंस आपको नजर आएगा इस फिल्म की लीड कास्ट मैंने आपको बता दी है अब टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक वो जूलियस पेकमेम ने क्रिएट किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर उन्होंने क्रिएट किया हुआ था वहीं पे जो गाने हैं वो तनीज बाग जी डॉक्टर जियस और आदित्य देव ने मिलकर कंपोज किए हुए थे टोटल चार गाने थे फिल्म में जिसके राइट्स सी म्यूजिक कंपनी वालों ने काफी बड़ी रकम

नहीं दोनों सभी चीजें सेम है क्योंकि इनिशियली जो प्लॉट है वो सेम है इस फिल्म का जो पहला शेड्यूल है वो 21 अगस्त 2021 को यूके में स्टार्ट किया हुआ था अक्टूबर 2021 तक उसको वहाँ पे कंप्लीट करवाया गया था कोविड की वजह से इस फिल्म को अलग अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म का प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है बाद में फरवरी 2022 में रिज्यूम किया गया था मसूरी में इस फिल्म को पूरी तरह से वहाँ पर शूट किया गया था देहरादून में वहीं पर सत्रह फरवरी दो तक पूरी तरह से इस फिल्म को पेचवर के साथ रेपअप करवाया हुआ था साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो जी म्यूजिक कंपनी द्वारा राइट्स खरीदे गए थे फिल्म में टोटल टो, टो चौदह मिनट के गाने टोटल चार गाने थे जिसको कंपोज किया हुआ था अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने बैकग्राउंड स्कोर है वो जूलियस ने कंपोज किया हुआ था इस फिल्म का जो पहला सिंगल था साथिया उसको चौबीस अगस्त दो को रिलीज किया गया था सेकंड सिंगल को रब्बा उसको तीस अगस्त दो को रिलीज किया गया था और तीस अगस्त दो के बाद इस फिल्म के सभी गानों को वीडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया हुआ था पहला गाना यानी कि साथिया उसके लिरिक्स है वो तनीस बागची ने लिखे हुए थे म्यूजिक भी तनीस बागची ने ही दिया हुआ था गाया हुआ था निखिल डिसूजा और सहरान खान ने दूसरा गाना रब्बा उसके लिरिक्स उमार मलिक ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ था डॉक्टर ज्यूस ने और सुखविंदर सिंह ने उसको गाया हुआ था लापता वाले गाने को लिखा हुआ था रश्मि विराग ने म्यूजिक दिया था आदित्य देव ने और सिंगर थे पायल देव और देव नेगी तीसरा चौथा गाना तू दिस दे उसको गाया हुआ था हामिद अली ने और नकीब ने हुआ था म्यूजिक दिया था डॉक्टर जोयस ने और गाया हुआ था हामिद अली नकीबी ने तो इस तरह से इन चार गानों को तैयार करवाया गया था फिल्म के लिए जहाँ पे सभी गाने फिलहाल में आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो इस फिल्म को ओरिजिनली टाइटल मिशन सिंडोला दिया गया था बाद में चेंज करके कठपुतली रखा और रिलीज डेट थी वो उन्नीस अगस्त 2022 की सुनाई गई थी लेकिन उसके बाद में अक्षय कुमार की फिल्म में जिस तरह से 2022 में वर्क करते थे उसको देखते हुए इस फिल्म को बाद में ओ पे बेच दिया गया जहाँ पे ओ राइट्स डिजनी प्लस हॉटस्टार वालों ने बड़ी रकम देते हुए ख़रीदे और उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्टली ओ प्रीमियर करवाया दो सेप्टेम्बर दो को तो इस तरह से इस फिल्म को दो सेप्टेम्बर दो को ओ टी टी डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला हुआ था और आईएमडी पे करीबन 19000 वोट मिले हुए थे जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से तो अब बात कर लेते किस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे सैटेलाइट और ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर उसके ऊपर तो इस फिल्म के सैटेलाइट और ओटीटी दोनों राइट्स स्टार नेटवर्क के ही पास है तो अगर आपको ये फिल्म टीवी पे देखनी है तो वो आपको देखने को मिलेगी स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर वहाँ पे ये फिल्म बिल्कुल फ्री में कटपुतली नाम से देखने को मिल जाएगी वहीं पे इस फिल्म के ओ टी टी डिजनी प्लस हॉस्टार के पास है तो ये फिल्म आपको कटपुतली नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन डिजनी प्लस हॉस्टार के ऊपर देखने को मिलेगी इसके अलावा एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस फिल्म को अगर आपको सेटेलाइट पर देखना है तो देखने को मिलेगी स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वहीं पे डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा वहीं पे इस फिल्म के जो ओरिजिनल वर्जन है जैसे कि रक्षासन और रक्षा ये दोनों वर्जन हिंदी में डब हो चुके रक्षा सोडू को गुमनाम नाम दिया हुआ है रक्षासन को मेहू दंड अधिकारी नाम दिया हुआ है और ये दोनों फिल्म में ऑफिशियली टीवी पे स्टार के नेट चैनल के ऊपर यानी कि स्टार उत्सव के ऊपर एक बार प्रीमियर करवाई गई थी मैं हूँ दंड अधिकारी को वहीं पे जी सिनेमा के ऊपर गुमनाम फिल्म को प्रीमियर करवाया गया था तो वहाँ पे इस फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे तो बस गैज इस तरह से आप कठपुतली फिल्म का हिंदी वर्जन और साथ ही में ओरिजिनल रक्षासन और गुमनाम यानी कि रक्षा का जो हिंदी वर्जन है वो इन्जॉय कर सकते हो कठपुतली जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है इस फिल्म का जो जोनर है वो है साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर जहाँ पे फिल्म एक रीमेक फिल्म है इस फिल्म को रत्सासन फिल्म से रीमेक किया गया है जो 2018 की तमिल लैंग्वेज फिल्म थी उस फिल्म को राम कुमार ने लिखा हुआ था रत्सासन एक कल्ट क्लासिक फिल्म है जहाँ पे वो एक स्लेसर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी विष्णु विशाल अमला सर्वानंद लीड रोल में थे फिल्म का मीडियम काइंड ऑफ बजट था बी बॉक्स ऑफिस पे 20 से 30 करोड़ जितना कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा हिट का टेग लिया और उसके बाद में एक कल्ट क्लासिक फिल्म साबित हुई और उसके बाद में रसासन फिल्म का तमिल और हिंदी वर्जन सॉरी तेलुगु और हिंदी वर्जन में रीमेक किया गया जहाँ पे तेलुगु वर्जन में रक्षा सूडू नाम दिया गया उसको भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था वहीं पर हिंदी वर्जन को पहले मिशन सिंड्रेला नाम देने वाले थे लेकिन बाद में कठपुतली नाम के साथ अक्षय कुमार को लेते हुए रीमेक किया गया था तो रसासन फिल्म को वैसे तो फ्रेम बाई फ्रेम ही कॉपी किया गया कह सकते हैं लेकिन फिल्म को थोड़ा अलग लोकेशन में सेट किया हुआ है और हिंदी नेटिविटी के हिसाब से अक्षय कुमार का जो एक हो है उसके हिसाब से स्क्रिप्टिंग में थोड़े चेंजेस किए हुए हैं तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रंजित एम तिवारी ने कहानी कौसिम अरोरा ने डेवलप किया हुआ था हिंदी वजन के लिए स्क्रीन प्ले साथ त्रिवेदी ने लिखा हुआ है ओरिजिनल स्टोरी तो राम कुमार की ही थी जिन्होंने रसासन को ही बनाया हुआ है इस फिल्म को एक मीडियम टू हाई बजट के साथ बनाया हुआ था करीबन सौ करोड़ के ऊपर का इस फिल्म का बजट बताया जा रहा है वहीं पर इस फिल्म को वासु भगनानी के भगनानी और दीप्सिका देशमुख ने मिलकर प्रोड्यूस किया हुआ था पूजा एंटरटेनमेंट के नीचे जिनको पहले थिएटर में इस फिल्म को रिलीज़ करने वाले थे लेकिन बाद में इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी के ऊपर प्रीमियर करवा दिया गया था जिसके डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स ओटीटी के डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों ने खरीदे हुए थे अब मैं आपको बता देता हूँ इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर तो अक्षय कुमार रकुलप्रीत सिंह जोश वाले क्लेयर आपको इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा चंद्रचूर सिंह सरगुन मेहता सुजीत शंकर जैसे दूसरे भी बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे जहाँ पे कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर है उसके ऊपर बातचीत करें तो एस आई सेठी के रोल में अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे दिव्या बक्सी के रोल में रकुलप्रीत सिंह देखने को मिलेगी इसके अलावा क्रिस्टोफर एग्निस फर्नांडिस के रोल में जोसवा लेख देखने को मिलेंगे नरिंदर सिंह के रोल में चंद्रचोर सिंह देखने को मिलेंगे एस एच ओ गुड़िया परमार के रोल में सरगुन मेहता देखने को मिलेगी वहीं पे पुरुषोत्तम तोमार के रोल में सुजीत शंकर देखने को मिलेंगे हेड कांस्टेबल महेंद्र गुलेरिया के रोल में गुरप्रीत गुग्गी देखने को मिलेंगे ईसाई रविचंद्रन मच्छान के रोल में शाहिद लतीफ देखने को मिलेंगे सीमा सेठी सिंह के रोल में हरिशिता भट्ट देखने को मिलेगी पायल सिंह ने इस फिल्म में पायल सिंह वाला जो किरदार है वो रेना है, तेजानी ने प्ले किया हुआ है अजय रोशनी बेनीवाल के रोल में आपको सुहानी धंकी देखने को मिलेगी वहीं पर सोफिया के रोल में सुहानी सेठी ने काम किया हुआ है शिल्पा सापनेकर ने इस फिल्म में क्लास टीचर का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म के प्रोमिनेट कास्ट है जिन्होंने इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुआ है जो कहानी है उसमें इन सभी किरदारों का काफी इंपोर्टेंस आपको नजर आएगा इस फिल्म की लीड कास्ट मैंने आपको बता दी है अब टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक वो जूलियस पेकमेम ने क्रिएट किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर उन्होंने क्रिएट किया हुआ था वहीं पे जो गाने हैं वो तनीज बाग जी डॉक्टर जियस और आदित्य देव ने मिलकर कंपोज किए हुए थे टोटल चार गाने थे फिल्म में जिसके राइट म्यूजिक कंपनी वालों ने काफी बड़ी रकम देते हुए खरीदे हुए थे इस फिल्म की एडिटिंग है वो चंदन अरोरा ने की हुई जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था तो एक मिनट यानी कि फिल्म घंटे और चौदह मिनट के आसपास के रन टाइम की देखने को मिलेगी इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी राजीव रवि ने की हुई है इसके अलावा इस फिल्म को जैसे कि मैंने कहा कि डायरेक्टली पे प्रीमियर करवाया गया था जिसके राइट प्लस होस्टर वालों ने खरीदे हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो अक्टूबर दो में लीड एक्टर विष्णु विशाल जो रसासन फिल्म के लीड एक्टर थे उन्होंने कन्फर्म किया था कि उनके पास हिंदी रिमिक राइट्स है लेकिन इनिशियली रिपोर्ट से क्लेम हुआ था कि इस फिल्म में आयुष्मान खुराना लीड रोल में होने वाले इस उनको अप्रोच किया जाने वाला है लेकिन जुलाई 2021 में एक और अनाउंसमेंट होती है जहाँ पे बताया जाता है कि अक्षय कुमार रकुलप्रीत सिंह इस फिल्म के लीड रोल में होने वाले हैं जिसका हिंदी रीमेक में टाइटल होने वाला है मिशन सिंड्रेला कुछ लोगों ने कहा था कि तेलुगु रक्षा सूडो नाम था उस फिल्म का उन्होंने रीमेक राइट्स खरीदा हुआ था रक्षा के नहीं अब पता नहीं दोनों सभी चीज़ें सेम है क्योंकि इनिशियली जो प्लॉट है वो सेम है इस फिल्म का जो पहला शेड्यूल है वो 21 अगस्त 2021 को यूके में स्टार्ट किया हुआ था अक्टूबर 2021 तक उसको वहां पे कंप्लीट करवाया गया था कोविड की वजह से इस फिल्म को अलग अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म का प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी बाद में फरवरी 2022 में रिज्यूम किया गया था मसूरी में इस फिल्म को पूरी तरह से वहाँ पर शूट किया गया था देहरादून में वहीं पर सत्रह फरवरी दो तक पूरी तरह से इस फिल्म को पेचवर के साथ रेपअप करवाया हुआ था साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा राइट्स खरीदे गए थे फिल्म में टोटल टो, टो चौदह मिनट के गाने टोटल चार गाने थे जिसको कंपोज किया हुआ था अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने बैकग्राउंड स्कोर है वो जूलियस ने कंपोज किया हुआ था इस फिल्म का जो पहला सिंगल था साथिया उसको चौबीस अगस्त दो को रिलीज किया गया था सेकंड सिंगल को रब्बा उसको तीस अगस्त दो को रिलीज किया गया था और तीस अगस्त दो के बाद इस फिल्म के सभी गानों को वीडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया हुआ था पहला गाना यानी कि साथिया उसके लिरिक्स है वो तनीस बागची ने लिखे हुए थे म्यूजिक भी तनीस बागची ने ही दिया हुआ था गाया हुआ था निखिल डिसूजा और सहरान खान ने दूसरा गाना रब्बा उसके लिरिक्स उमार मलिक ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ था डॉक्टर जियोस ने और सुखविंदर सिंह ने उसको गाया हुआ था लापता वाले गाने को लिखा हुआ था रश्मि विराग ने म्यूजिक दिया था आदित्य देव ने और सिंगर थे पायल देव और देव नेगी तीसरा चौथा गाना तू दिस दे उसको गाया हुआ था हामिद अली ने और नकीब ने लिखा खा हुआ था म्यूजिक दिया था डॉक्टर जोयस ने और गाया हुआ था हामिद अली नकीबी ने तो इस तरह से इन चार गानों को तैयार करवाया गया था फिल्म के लिए जहाँ पे सभी गाने फिलहाल में आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज के ऊपर तो इस फिल्म को ओरिजिनली टाइटल मिशन सिंडेला दिया गया था बाद में चेंज करके कठपुतली रखा और रिलीज डेट थी वो उन्नीस अगस्त 2022 की सुनाई गई थी लेकिन उसके बाद में अक्षय कुमार की फिल्म में जिस तरह से 2022 में वर्क करी थे उसको देखते हुए इस फिल्म को बाद में ओ पे बेच दिया गया जहाँ पे ओ राइट्स डिजनी प्लस हॉटस्टार वालों ने बड़ी रकम देते हुए ख़रीदे और उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्टली ओ प्रीमियर करवाया दो सेप्टेम्बर दो को तो इस तरह से इस फिल्म को दो सेप्टेम्बर दो को ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला हुआ था और आईएमडी पे करीबन 19000 वोट मिले हुए थे जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से तो अब बात कर लेते किस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे सैटेलाइट और ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर उसके ऊपर तो इस फिल्म के सैटेलाइट और ओटीटी दोनों राइट्स स्टार नेटवर्क के ही पास है तो अगर आपको ये फिल्म टीवी पे देखनी है तो वो आपको देखने को मिलेगी स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर वहाँ पे ये फिल्म बिल्कुल फ्री में कठपुतली नाम से देखने को मिल जाएगी वहीं पे इस फिल्म के ओटीटी राइट्स टी डिजनी प्लस हॉटस्टार के पास है तो ये फिल्म आपको कठपुतली नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्सन डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगी इसके अलावा एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस फिल्म को अगर आपको सेटेलाइट पर देखना है तो देखने को मिलेगी स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वहीं पे डिजनी प्लस और स्टार के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा वहीं पे इस फिल्म के जो ओरिजिनल वर्जन है जैसे कि रत्सासन और रक्षा सोडू ये दोनों वर्जन हिंदी में डब हो चुके हैं रक्षा सोडू को गुमनाम नाम दिया हुआ है रत्सासन को मैं हूँ दंड अधिकारी नाम दिया हुआ है और ये दोनों फिल्म में ऑफिशियली टीवी पे स्टार के नेट चैनल के ऊपर यानी कि स्टार उत्सव के ऊपर एक बार प्रीमियर करवाई गई थी मैं हूँ दंड अधिकारी को वहीं पे जी सिनेमा के ऊपर गुमनाम फिल्म को प्रीमियर करवाया गया था तो वहाँ पे इस फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे तो बस गैज इस तरह से आप कठपुतली फिल्म का हिंदी वर्जन और साथ ही में ओरिजिनल रक्षासन और गुमनाम यानी कि रक्षा का जो हिंदी वर्जन है वो इंजॉय कर सकते हो कठपुतली जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है इस फिल्म का जो जोनर है वो है साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर जहाँ पे फिल्म एक रीमेक फिल्म है इस फिल्म को रत्सासन फिल्म से रीमेक किया गया है जो 2018 की तमिल लैंग्वेज फिल्म थी उस फिल्म को राम कुमार ने लिखा हुआ था रत्सासन एक कल्ट क्लासिक फिल्म है जहाँ पे वो एक स्लेसर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी विष्णु विशाल अमला सर्वानंद लीड रोल में थे फिल्म का मीडियम काइंड ऑफ बजट था बी बॉक्स ऑफिस पे 20 से 30 करोड़ जितना कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा हिट का टैग लिया और उसके बाद में एक कल्ट क्लासिक फिल्म साबित हुई और उसके बाद में रसासन फिल्म का तमिल और हिंदी वर्जन सॉरी तेलुगू और हिंदी वर्जन में रीमेक किया गया जहाँ पे तेलुगू वर्जन में रक्षा सूडो नाम दिया गया उसको भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला था वहीं पे हिंदी वर्जन को पहले मिशन सिंड्रेला नाम देने वाले थे लेकिन बाद में कठपुतली नाम के साथ अक्षय कुमार को लेते हुए रीमेक किया गया था तो रसासन फिल्म को वैसे तो फ्रेम बाय फ्रेम ही कॉपी किया गया कह सकते हैं लेकिन फिल्म को थोड़ा अलग लोकेशन में सेट किया हुआ है और हिंदी नेटिविटी के हिसाब से अक्षय कुमार का जो एक हो है उसके हिसाब से स्क्रिप्टिंग में थोड़े चेंजेस किए हुए हैं तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रंजित एम तिवारी ने कहानी कौसिम अरोरा ने डेवलप किया हुआ था हिंदी वजन के लिए स्क्रीन प्ले साथ त्रिवेदी ने लिखा हुआ है ओरिजिनल स्टोरी तो राम कुमार की ही थी जिन्होंने रसासन को ही बनाया हुआ है इस फिल्म को एक मीडियम टू हाई बजट के साथ बनाया हुआ था करीबन सौ करोड़ के ऊपर का इस फिल्म का बजट बताया जा रहा है वहीं पर इस फिल्म को वासु भगनानी के भगनानी और दीप्सिका देशमुख ने मिलकर प्रोड्यूस किया हुआ था पूजा एंटरटेनमेंट के नीचे जिनको पहले थिएटर में इस फिल्म को रिलीज़ करने वाले थे लेकिन बाद में इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी के ऊपर प्रीमियर करवा दिया गया था जिसके डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स ओटीटी के डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों ने खरीदे हुए थे अब मैं आपको बता देता हूँ इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर तो अक्षय कुमार रकुलप्रीत सिंह जोश वाली क्लेयर आपको इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा चंद्रचूर सिंह सरगुन मेहता सुजीत शंकर जैसे दूसरे भी बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे जहाँ पे कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो एस आई अर्चन सेठी के रोल में अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे दिव्या बक्सी के रोल में रकुलप्रीत सिंह देखने को मिलेगी इसके अलावा क्रिस्टोफर एग्निस फर्नांडिस के रोल में जोस्वा लेख देखने को मिलेंगे नरिंदर सिंह के रोल में चंद्रशोर सिंह देखने को मिलेंगे एस एच ओ गुड़िया परमार के रोल में सरगुन मेहता देखने को मिलेगी वहीं पे पुरुषोत्तम तोमार के रोल में सुजीत शंकर देखने को मिलेंगे हेड कांस्टेबल महेंद्र गुलेरा के रोल में गुरप्रीत गुग्गी देखने को मिलेंगे रविचंद्रन मच्छान के रोल में शाहिद लतीफ देखने को मिलेंगे सीमा सिंह के रोल में हरिशिता देखने को मिलेगी पायल सिंह ने इस फिल्म में पायल सिंह वाला जो किरदार है वो रेना किया हुआ है अजय रोशनी बेनीवाल के रोल में आपको धंकी देखने को मिलेगी वहीं पे सोफिया के रोल में सुहानी सुहा ने काम किया हुआ है शिल्पा सपनेकर ने इस फिल्म में क्लास टीचर का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए जो कहानी है उसमें इन सभी किरदारों का काफी इंपोर्टेंस आपको नजर आएगा इस फिल्म की लीड कास्ट मैंने आपको बता दी है अब टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक वो जूलियस पेकमैम ने क्रिएट किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर उन्होंने क्रिएट किया हुआ था वहीं पे जो गाने हैं वो तनीज बाग जी डॉक्टर जियस और आदित्य देव ने मिलकर कंपोज किए हुए थे टोटल चार गाने थे फिल्म में जिसके राइट सी म्यूजिक कंपनी वालों ने काफी बड़ी रकम देते हुए खरीदे हुए थे इस फिल्म की एडिटिंग है वो चंदन अरोरा ने की हुई जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था एक सौ मिनट यानी कि फिल्म दो घंटे और चौदह मिनट के आसपास के रन टाइम की देखने को मिलेगी इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी राजीव रवि ने की हुई है इसके अलावा इस फिल्म को जैसे कि कि मैंने कहा डायरेक्टली पे प्रीमियर करवाया गया था जिसके प्लस हैस्टर वालों ने खरीदे हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो अक्टूबर दो में लीड एक्टर विष्णु विशाल जो रसासन फिल्म के लीड एक्टर थे उन्होंने कन्फर्म किया था कि उनके पास हिंदी रिमिक राइट्स है लेकिन इनिशियली रिपोर्ट से क्लेम हुआ था कि इस फिल्म में आयुष्मान खुराना लीड रोल में होने वाले इस में उनको अप्रोच किया जाने वाला है लेकिन जुलाई 2021 में एक और अनाउंसमेंट होती है जहाँ पे बताया जाता है कि अक्षय कुमार रकुलप्रीत सिंह इस फिल्म के लीड रोल में होने वाले हैं जिसका हिंदी रीमेक में टाइटल होने वाला है मिशन सिंड्रेला कुछ लोगों ने कहा था कि तेलुगु रक्षा नाम था उस फिल्म का उन्होंने रीमेक राइट्स खरीदा हुआ था रक्षा के नहीं अब पता नहीं दोनों सभी चीज़ें सेम है क्योंकि इनिशियली जो प्लॉट है वो सेम है इस फिल्म का जो पहला शेड्यूल है वो 21 अगस्त 2021 को यूके में स्टार्ट किया हुआ था अक्टूबर 2021 तक उसको वहाँ पे कंप्लीट करवाया गया था कोविड की वजह से इस फिल्म को अलग अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म का प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी बाद में फरवरी 2022 में रिज्यूम किया गया था मसूरी में इस फिल्म को पूरी तरह से वहाँ पर शूट किया गया था देहरादून में वहीं पर सत्रह फरवरी दो तक पूरी तरह से इस फिल्म को पेचवर्क के साथ रेपअप करवाया हुआ था साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा राइट्स खरीदे गए थे फिल्म में टोटल टो, टो चौदह मिनट के गाने टोटल चार गाने थे जिसको कंपोज किया हुआ था अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने बैकग्राउंड स्कोर है वो जूलियस ने कंपोज किया हुआ था इस फिल्म का जो पहला सिंगल था साथिया उसको चौबीस अगस्त दो को रिलीज किया गया था सेकंड सीडियो सिंगल को रब्बा उसको तीस अगस्त दो को रिलीज किया गया था और तीस अगस्त दो के बाद इस फिल्म के सभी गानों को वीडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया हुआ था पहला गाना यानी कि साथिया उसके लिरिक्स है वो तनिस बागची ने लिखे हुए थे म्यूजिक भी तनीस बागची ने ही दिया हुआ था गाया हुआ था निखिल डिसूजा और जहरान खान ने दूसरा गाना रब्बा उसके लिरिक्स उमार मलिक ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ था डॉक्टर जियोस ने और सुखविंदर सिंह ने उसको गाया हुआ था लापता वाले गाने को लिखा हुआ था रश्मि विराग ने म्यूजिक दिया था आदित्य देव ने और सिंगर थे पायल देव और देव ने नेगी तीसरा चौथा गाना तू दिस दे उसको गाया हुआ था हामिद अली ने और नक़ीब ने लिखा हुआ था म्यूजिक दिया था डॉक्टर जियस ने और गाया हुआ था हामिद अली नकीबी ने तो इस तरह से इन चार गानों को तैयार करवाया गया था फिल्म के लिए जहां ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो इस फिल्म को ओरिजिनली टाइटल मिशन सिंडेला दिया गया था बाद में चेंज करके कठपुतली रखा और रिलीज डेट थी उन्नीस अगस्त 2022 की सुनाई गई थी लेकिन उसके बाद में अक्षय कुमार की फिल्म में जिस तरह से 2022 में वर्क करी थे उसको देखते हुए इस फिल्म को बाद में ओ पे बेच दिया गया जहाँ पे ओ राइट्स डिजनी प्लस होस्टार वालों ने बड़ी रकम देते हुए ख़रीदे और उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्टली ओ प्रीमियर करवाया दो सेप्टेम्बर दो को तो इस तरह से इस फिल्म को दो सेप्टेंबर दो को ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला हुआ था और आईएमडी पे करीबन 19,000 वोट मिले हुए थे जिसमें पाँच पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से तो अब बात कर लेते हैं किस तरह से फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे सैटेलाइट और ओटीटी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर उसके ऊपर तो इस फिल्म के सैटेलाइट और ओटीटी दोनों राइट्स स्टार नेटवर्क के ही पास है तो अगर आपको ये फिल्म टी वी देखनी है तो वो आपको देखने को मिलेगी स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर वहाँ पे ये फिल्म बिल्कुल फ्री में कठपुतली नाम से देखने को मिल जाएगी वहीं पे इस फिल्म के ओ टी टी डिजनी प्लस हॉटस्टार के पास है तो ये फिल्म आपको कठपुतली नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगी इसके अलावा एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस फिल्म को अगर आपको सेटेलाइट पर देखना है तो देखने को मिलेगी स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वहीं पे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा वहीं पे इस फिल्म के जो ओरिजिनल वर्जन है जैसे कि रत्सासन और रक्षासूडो ये दोनों वर्जन हिंदी में डब हो चुके रक्षासूडो को गुमनाम नाम दिया हुआ है रत्सासन को मैं हूं डांडाधिकारी नाम दिया हुआ है और ये दोनों फिल्म में ऑफिशियली टीवी पे स्टार के नेट चैनल के ऊपर यानी कि स्टार उत्सव के ऊपर एक बार प्रीमियर करवाई गई थी मैं दंड अधिकारी को वहीं पे जी सिनेमा के ऊपर गुमनाम फिल्म को प्रीमियर करवाया गया था तो वहाँ पे इस फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे तो बस गैज इस तरह से आप कठपुतली फिल्म का हिंदी वर्जन और साथ ही में ओरिजिनल रक्षा और गुमनाम यानी कि रक्षा का जो हिंदी वर्जन है वो इंजॉय कर सकते हो कठपुतली जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है इस फिल्म का जो जोनर है वो है साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर जहाँ पे फिल्म एक रीमेक फिल्म है इस फिल्म को रसासन फिल्म से रीमेक किया गया है जो 2018 की तमिल लैंग्वेज फिल्म थी उस फिल्म को राम कुमार ने लिखा हुआ था रसासन एक कल्ट क्लासिक फिल्म है जहाँ पे वो एक स्लेसर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी विष्णु विशाल अमला सर्वानंद लीड रोल में थे फिल्म का मीडियम काइंड ऑफ बजट था बॉक्स ऑफिस पे 20 से 30 करोड़ जितना कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा हिट का टैग लिया और उसके बाद में एक कल्ट क्लासिक फिल्म साबित हुई और उसके बाद में रसासन फिल्म का तमिल और हिंदी वर्जन सॉरी तेलुगू और हिंदी वर्जन में रीमेक किया गया जहाँ पे तेलुगू वर्जन में रक्षा सुडू नाम दिया गया उसको भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला था वहीं पे हिंदी वर्जन को पहले मिशन सिंड्रेला नाम देने वाले थे लेकिन बाद में कठपुतली नाम के साथ अक्षय कुमार को लेते हुए रीमेक किया गया था तो रसन फिल्म को वैसे तो फ्रेम बाय फ्रेम ही कॉपी किया गया कह सकते हैं लेकिन फिल्म को थोड़ा अलग लोकेशन में सेट किया हुआ है और हिंदी नेटिविटी के हिसाब से अक्षय कुमार का जो एक हो है उसके हिसाब से स्क्रिप्टिंग में थोड़े चेंजेस किए हुए हैं तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रंजित एम तिवारी ने कहानी कौसिम अरोरा ने डेवलप किया हुआ था हिंदी वजन के लिए स्क्रीन प्ले तो साथ त्रिवेदी ने लिखा हुआ है ओरिजिनल स्टोरी तो राम कुमार की ही थी जिन्होंने रसासन को ही बनाया हुआ है इस फिल्म को एक मीडियम टू हाई बजट के साथ बनाया हुआ था करीबन सौ करोड़ के ऊपर का इस फिल्म का बजट बताया जा रहा है वहीं पर इस फिल्म को वासु भगनानी जेके भगनानी और दीप्सिका देशमुख ने मिलकर प्रोड्यूस किया हुआ था पूजा एंटरटेनमेंट के नीचे जिनको पहले थिएटर में इस फिल्म को रिलीज करने वाले थे लेकिन बाद में इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी के ऊपर प्रीमियर करवा दिया गया था जिसके डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स ओटीटी के डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों ने खरीदे हुए थे अब मैं आपको बता देता हूँ इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर तो अक्षय कुमार रकुलप्रीत सिंह जोश वाले क्लेयर आपको इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा चंद्रचूर सिंह सरगुन मेहता सुजीत शंकर जैसे दूसरे भी बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे जहाँ पे कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो एसआई अर्जन सेठी के रोल में अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे नरिंदर सिंह के रोल में चंद्रचोर सिंह देखने को मिलेंगे एस एच ओ गुड़िया परमार के रोल में सरगुन मेहता देखने को मिलेगी वहीं पे पुरुषोत्तम तोमार के रोल में सुजीत शंकर देखने को मिलेंगे हेड कांस्टेबल महेंद्र के रोल में गुरप्रीत कुछ रविचंद्रन मच्छान के रोल में लतीफ देखने को मिलेंगे अजय रोशनी बेनीवाल के रोल में आपको धंकी देखने को मिलेगी वहीं पे सोफिया के रोल में सुहा ने काम किया हुआ है शिल्पा सपनेकर ने इस फिल्म में क्लास टीचर का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए जो कहानी है उसमें इन सभी किरदारों का काफी इंपॉर्टेंस आपको नजर आएगा इस फिल्म की लीड कास्ट मैंने आपको बता दी है अब टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक वो जूलियस पेकमेम ने क्रिएट किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर उन्होंने क्रिएट किया हुआ था वहीं पर जो गाने हैं वो तनीज बाग जी डॉक्टर जियस और आदित्य देव ने मिलकर कंपोज किए हुए थे टोटल चार गाने थे फिल्म में जिसके राइट म्यूजिक कंपनी वालों ने काफी बड़ी रकम देते हुए खरीदे हुए थे इस फिल्म की एडिटिंग है वो चंदन अरोरा ने किए जिन्होंने

के पास हिंदी रीमेक राइट्स है लेकिन इनिशियली रिपोर्ट से क्लेम हुआ था कि इस फिल्म में आयुष्मान खुराना लीड रोल में होने वाले हैं इस रिमेक में उनको अप्रोच किया जाने वाला है लेकिन जुलाई दो में एक और अनाउंसमेंट होती है जहाँ पर बताया जाता है कि अक्षय कुमार रकुलप्रीत सिंह इस फिल्म के लीड रोल में होने वाले हैं जिसका हिंदी रीमेक में टाइटल होने वाला है मिशन सिंड्रेला कुछ लोगों ने कहा था कि तेलुगु रक्षा सुडो नाम था उस फिल्म का उन्होंने रिमेक राइट्स खरीदा हुआ था रक्षा के नहीं अब पता नहीं दोनों सभी चीज़ें सेम है क्योंकि इनिशियली जो प्लॉट है वो सेम है इस फिल्म का जो पहला शेड्यूल है वो 21 अगस्त 2021 को यूके में स्टार्ट किया हुआ था अक्टूबर 2021 तक उसको वहाँ पे कंप्लीट करवाया गया था कोविड की वजह से इस फिल्म को अलग अलग, अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म का प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी बाद में फरवरी 2022 में रिज्यूम किया गया था मसूरी में इस फिल्म को पूरी तरह से वहाँ पर शूट किया गया था देहरादून में वहीं पर सत्रह फरवरी दो तक पूरी तरह से इस फिल्म को पेचवर के साथ रेपअप करवाया हुआ था साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा राइट्स खरीदे गए थे फिल्म में टोटल टो टो चौदह मिनट के गाने टोटल टो चार गाने थे जिसको कंपोज किया हुआ था अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने बैकग्राउंड स्कोर है वो जूलियस पेकम ने कंपोज किया हुआ था इस फिल्म का जो पहला सिंगल था साथिया उसको चौबीस अगस्त दो को रिलीज़ किया गया था सेकंड सीडी सिंगल को रब्बा उसको तीस अगस्त दो को रिलीज किया गया था और तीस अगस्त दो के बाद इस फिल्म के सभी गानों को वीडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया हुआ था पहला गाना यानी कि साथिया उसके लिरिक्स है वो तनिस बागची ने लिखे हुए थे म्यूजिक भी तनिस बागची ने ही दिया हुआ था गाया हुआ था निखिल डिसूजा और जहरान खान ने दूसरा गाना रब्बा उसके लिरिक्स उमार मलिक ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ था डॉक्टर ज्योस ने और सुखविंदर सिंह ने उसको गाया हुआ था लापता वाले गाने को लिखा हुआ था रश्मि विराग ने म्यूजिक दिया था आदित्य देव ने और सिंगर थे पायल देव और देव ने की तीसरा चौथा गाना तू दिस दे उसको गाया हुआ था हामिद अली ने और नकीब ने लिखा हुआ था म्यूजिक दिया था डॉक्टर जियस ने और गाया हुआ था हामिद अली नकीबी ने तो इस तरह से इन चार गानों को तैयार करवाया गया था फिल्म के लिए जहां ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के के ऑफिशियल चैनल ऊपर सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो इस फिल्म को ओरिजिनली टाइटल मिशन सिंड्रेला दिया गया था बाद में चेंज करके कठपुतली रखा और रिलीज डेट थी उन्नीस अगस्त 2022 की सुनाई गई थी लेकिन उसके बाद में अक्षय कुमार की फिल्म में जिस तरह से 2022 में वर्क करी थी उसको देखते हुए इस फिल्म को बाद में ओ पे बेच दिया गया जहाँ पे ओ राइट्स डिजनी प्लस होस्टार वालों ने बड़ी रकम देते हुए ख़रीदे और उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्टली ओ प्रीमियर करवाया दो सेप्टेम्बर दो को तो इस तरह से इस फिल्म को दो सेप्टेंबर दो को ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला हुआ था और आईएमडी पे करीबन 19000 वोट मिले हुए थे जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से तो अब बात कर लेते किस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे सैटेलाइट और ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर उसके ऊपर तो इस फिल्म के सैटेलाइट और ओटीटी दोनों राइट्स स्टार नेटवर्क के ही पास है तो अगर आपको ये फिल्म टीवी पे देखनी है तो वो आपको देखने को मिलेगी स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर वहाँ पे ये फिल्म बिल्कुल फ्री में कटपुतली नाम से देखने को मिल जाएगी वहीं पे इस फिल्म के ओ टी टी राइट प्लस हॉट स्टार के पास है तो ये फिल्म आपको कटपुतली नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्सन डिजनी प्लस हॉस्टार के ऊपर देखने को मिलेगी इसके अलावा एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस फिल्म को अगर आपको सेटेलाइट पर देखना है तो देखने को मिलेगी स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वहीं पे डिजने प्लस हॉट के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन विथ इंग्लिश सब विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा वहीं पे इस फिल्म के जो ओरिजिनल वर्जन है जैसे कि रक्षासन और रक्षा ये दोनों वर्जन हिंदी में डब हो चुके रक्षा को गुमनाम नाम दिया हुआ है रक्षासन को मैं दंड अधिकारी नाम दिया हुआ है और ये दोनों फिल्म में ऑफिशियली टीवी पे स्टार के नेट चैनल के ऊपर यानी कि स्टार उत्सव के ऊपर एक बार प्रीमियर करवाई गई थी मैं हूँ दंड अधिकारी को वहीं पे जी सिनेमा के ऊपर गुमनाम फिल्म को प्रीमियर करवाया गया था तो वहाँ पे इस फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे तो बस गैज इस तरह से आप कठपुतली फिल्म का हिंदी वर्जन और साथ ही में ओरिजिनल रक्षासन और गुमनाम यानी कि रक्षा का जो हिंदी वर्जन है वो इन्जॉय कर सकते हो कठपुतली जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है इस फिल्म का जो जोनर है वो है साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर जहाँ पे फिल्म एक रीमेक फिल्म है इस फिल्म को रसासन फिल्म से रीमेक किया गया है जो 2018 की तमिल लैंग्वेज फिल्म थी उस फिल्म को राम कुमार ने लिखा हुआ था रसासन एक कल्ट क्लासिक फिल्म है जहाँ पे वो एक स्लेसर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी विष्णु विशाल अमला सर्वानंद लीड रोल में थे फिल्म का मीडियम काइंड ऑफ बजट था बॉक्स ऑफिस पे 20 से 30 करोड़ जितना कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा हिट का टैग लिया और उसके बाद में एक कल्ट क्लासिक फिल्म साबित हुई और उसके बाद में रसासन फिल्म का तमिल और हिंदी वर्जन सॉरी तेलगु और हिंदी वर्जन में रीमेक किया गया जहाँ पे तेलुगू वर्जन में रक्षा सुड़ू नाम दिया गया उसको भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था वहीं पर हिंदी वर्जन को पहले मिशन सिंड्रेला नाम देने वाले थे लेकिन बाद में कठपुतली नाम के साथ अक्षय कुमार को लेते हुए रीमेक किया गया था तो रसा रसन फिल्म को वैसे तो फ्रेम बाई फ्रेम ही कॉपी किया गया कह सकते हैं लेकिन फिल्म को थोड़ा अलग लोकेशन में सेट किया हुआ है और हिंदी नेटिविटी के हिसाब से अक्षय कुमार का जो एक हो है उसके हिसाब से स्क्रिप्टिंग में थोड़े चेंजेस किए हुए हैं तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रंजीत एम तिवारी ने कहानी कौसिम अरोरा ने डेवलप किया हुआ था हिंदी वर्जन के लिए स्क्रीन प्ले तो साथ त्रिवेदी ने लिखा हुआ है ओरिजिनल स्टोरी तो राम कुमार की ही थी जिन्होंने रसासन को ही बनाया हुआ है इस फिल्म को एक मीडियम टू हाई बजट के साथ बनाया हुआ था करीबन सौ करोड़ के ऊपर का इस फिल्म का बजट बताया जा रहा है वहीं पर इस फिल्म को वासु भगनानी जेके भगनानी और दीपिका देशमुख ने मिलकर प्रोड्यूस किया हुआ था पूजा एंटरटेनमेंट के नीचे जिनको पहले थिएटर में इस फिल्म को रिलीज़ करने वाले थे लेकिन बाद में इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी के ऊपर प्रीमियर करवा दिया गया था जिसके डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स ओटीटी के डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों ने खरीदे हुए थे अब मैं आपको बता देता हूँ इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर तो अक्षय कुमार रकुलप्रीत सिंह जोश वाली क्लेयर आपको इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा चंद्रचूर सिंह सरगुन मेहता सुजीत शंकर जैसे दूसरे भी बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे जहाँ पे कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो एस आई अर्चन सेठी के रोल में अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे दिव्या बक्सी के रोल में रकुलप्रीत सिंह देखने को मिलेगी इसके अलावा क्रिस्टोफर एग्निस फर्नाडिस के रोल में जोस्वा लेख देखने को मिलेंगे नरिंदर सिंह के रोल में चंद्रचोर सिंह देखने को मिलेंगे एस एच ओ गुड़िया परमार के रोल में सरगुन मेहता देखने को मिलेगी वहीं पे पुरुषोत्तम तोमार के रोल में सुजीत शंकर देखने को मिलेंगे हेड कांस्टेबल महेंद्र गुलेर के रोल में गुरप्रीत गुग्गी देखने को मिलेंगे रविचंद्रन मच्छान के रोल में शायद लतीफ देखने को मिलेंगे सीमा सिंह के रोल में हरिशिता देखने को मिलेगी पायल सिंह ने इस फिल्म में पायल सिंह वाला जो किरदार है वो रेना किया हुआ है अजय रोशनी बेनीवाल के रोल में आपको धंकी देखने को मिलेगी वहीं पे सोफिया के रोल में सुहानी ने काम किया हुआ है शिल्पा सपनेकर ने इस फिल्म में क्लास टीचर का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें काफी किरदार प्ले किए हुए जो कहानी है उसमें का आदित्य तो देव ने मिलकर कंपोज किए हुए थे टोटल चार गाने थे फिल्म में जिसके राइट सी म्यूजिक कंपनी वालों ने काफी बड़ी रकम देते हुए खरीदे हुए थे इस फिल्म की एडिटिंग है वो चंदन अरोरा ने की जिन्होंने

हिंदी रिमेक राइट्स है लेकिन इनिशियली रिपोर्ट से क्लेम हुआ था कि इस फिल्म में आयुष्मान खुराना लीड रोल में होने वाले इस रिमेक में उनको अप्रोच किया जाने वाला है लेकिन जुलाई दो में एक और अनाउंसमेंट होती है जहाँ पर बताया जाता है कि अक्षय कुमार रकुलप्रीत सिंह इस फिल्म के लीड रोल में होने वाले है जिसका हिंदी रिमेक में टाइटल होने वाला है मिशन सिंड्रेला कुछ लोगों ने कहा था कि तेलुगु रक्षा सूडो नाम था उस फिल्म का उन्होंने रिमेक राइट्स खरीदा हुआ था रसासन के नहीं अब पता नहीं दोनों सभी चीज़ें सेम है क्योंकि इनिशियली जो प्लॉट है वो सेम है इस फिल्म का जो पहला शेड्यूल है वो इक्कीस अगस्त 2021 को यूके में स्टार्ट किया हुआ था अक्टूबर 2021 तक उसको वहाँ पे कंप्लीट करवाया गया था कोविड की वजह से इस फिल्म को अलग अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म का प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी बाद में फरवरी 2022 में रिज्यूम किया गया था मसूरी में इस फिल्म को पूरी तरह से वहाँ पर शूट किया गया था देहरादून में वहीं पर सत्रह फरवरी दो तक पूरी तरह से इस फिल्म को पेचवर के साथ रेपअप करवाया हुआ था साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो जी म्यूज़िक कंपनी के द्वारा राइट्स खरीदे गए थे फिल्म में टोटल टो, टो चौदह मिनट के गाने टोटल चार गाने थे जिसको कंपोज़ किया हुआ था अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने बैकग्राउंड स्कोर है वो जूलियस पेकम ने कंपोज किया हुआ था इस फिल्म का जो पहला सिंगल था साथिया उसको चौबीस अगस्त दो को रिलीज़ किया गया था सेकंड सीडी सिंगल को रब्बा उसको तीस अगस्त दो को रिलीज़ किया गया था और तीस अगस्त दो के बाद इस फिल्म के सभी गानों को वीडियो फॉर्मेट में जी म्यूज़िक कंपनी के द्वारा बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया हुआ था पहला गाना यानी कि साथिया उसके लिरिक्स है वो तनिष बागची ने लिखे हुए थे म्यूजिक भी तनिष बागची ने ही दिया हुआ था गाया हुआ था निखिल डिसूजा और जहरान खान ने दूसरा गाना रब्बा उसके लिरिक्स उमार मलिक ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ था डॉक्टर ज्योस ने और सुखविंदर सिंह ने उसको गाया हुआ था लापता वाले गाने को लिखा हुआ था रश्मि विराग ने म्यूजिक दिया था आदित्य देव ने और सिंगर थे पायल देव और देव नेगी तीसरा चौथा गाना तू दिस दे उसको गाया हुआ था हामिद अली ने और नकीब ने लिखा लिखा हुआ था म्यूजिक दिया था डॉक्टर ज्योस ने और गाया हुआ था हामिद अली नकीबी ने तो इस तरह से इन चार गानों को तैयार करवाया गया था फिल्म के लिए जहाँ पे सभी गाने फिलहाल में आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूज़िक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर तो इस फिल्म को ओरिजिनली टाइटल मिशन सिंडेला दिया गया था बाद में चेंज करके कठपुतली रखा और रिलीज डेट थी वो उन्नीस अगस्त 2022 की सुनाई गई थी लेकिन उसके बाद में अक्षय कुमार की फिल्म में जिस तरह से 2022 में वर्क करते थी उसको देखते हुए इस फिल्म को बाद में ओ पे बेच दिया गया जहाँ पे ओ राइट्स डिजनी प्लस हॉटस्टार वालों ने बड़ी रकम देते हुए ख़रीदे और उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्टली ओ प्रीमियर करवाया दो सेप्टेम्बर दो को तो इस तरह से इस फिल्म को दो सेप्टेम्बर दो को ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला हुआ था और आईएमडी पे करीबन उन्नीस हज़ार वोट मिले हुए थे जिसमें पाँच पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो अब बात कर लेते किस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे सैटेलाइट और ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर उसके ऊपर तो इस फिल्म के सैटेलाइट और ओ दोनों राइट्स स्टार नेटवर्क के ही पास है तो अगर आपको ये फिल्म टीवी पे देखनी है तो वो आपको देखने को मिलेगी स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर वहाँ पे ये फिल्म बिल्कुल फ्री में कटपुतली नाम से देखने को मिल जाएगी वहीं पे इस फिल्म के ओ टी टी दी राइट डिजनी प्लस हॉटस्टार के पास है तो ये फिल्म आपको कटपुतली नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगी इसके अलावा एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस फिल्म को अगर आपको सेटेलाइट पर देखना है तो देखने को मिलेगी स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वहीं पर डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा वहीं पे इस फिल्म के जो ओरिजिनल वर्जन है जैसे कि रत्सासन और रक्षा सोडू ये दोनों वर्जन हिंदी में डब हो चुके है रक्षा सोडू को गुमनाम नाम दिया हुआ है रत्सासन को मैं हूं दंड अधिकारी नाम दिया हुआ है और ये दोनों फिल्म में ऑफिशियली टीवी पे स्टार के नेट चैनल के ऊपर यानी कि स्टार उत्सव के ऊपर एक बार प्रीमियर करवाई गई थी मैं हूँ दंड अधिकारी को वहीं पे जी सिनेमा के ऊपर गुमनाम फिल्म को प्रीमियर करवाया गया था तो वहाँ पे इस फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे तो बस गए इस तरह से आप कठपुतली फिल्म का हिंदी वर्जन और साथ ही में ओरिजिनल रक्षासन और गुमनाम यानी कि रक्षा सोड का जो हिंदी वर्जन है वो इंजॉय कर सकते हो कठपुतली जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है इस फिल्म का जो जोनर है वो है साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर जहाँ पे फिल्म एक रीमेक फिल्म है। इस फिल्म को फिल्म को से रीमेक किया गया है जो 2018 की तमिल लैंग्वेज फिल्म थी उस फिल्म को राम कुमार ने लिखा हुआ था रसासन एक कल्ट क्लासिक फिल्म है जहाँ पे वो एक स्लेशर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी विष्णु विशाल अमलापोल सर्वानंद लीड रोल में थे फिल्म का मीडियम काइंड ऑफ बजट था बॉक्स ऑफिस पे 20 से 30 करोड़ जितना कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा हिट का टैग लिया और उसके बाद में एक कल्ट क्लासिक फिल्म साबित हुई और उसके बाद में रसासन फिल्म का तमिल और हिंदी वर्जन सॉरी तेलुगु और हिंदी वर्जन में रीमेक किया गया जहाँ पे तेलुगू वर्जन में रक्षा सूडो नाम दिया गया उसको भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था वहीं पर हिंदी वर्जन को पहले मिशन सिंड्रेला नाम देने वाले थे लेकिन बाद में कठपुतली नाम के साथ अक्षय कुमार को लेते हुए रीमेक किया गया था तो रसा रसन फिल्म को वैसे तो फ्रेम बाई फ्रेम ही कॉपी किया गया कह सकते हैं लेकिन फिल्म को थोड़ा अलग लोकेशन में सेट किया हुआ है और हिंदी नेटिविटी के हिसाब से अक्षय कुमार का जो एक और है उसके हिसाब से स्क्रिप्टिंग में थोड़े चेंजेस किए हुए हैं तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रंजीत एम तिवारी ने कहानी कौसिम अरोरा ने डेवलप किया हुआ था हिंदी वजन के लिए स्क्रीन प्ले तो साथ त्रिवेदी ने लिखा हुआ है ओरिजिनल स्टोरी तो राम कुमार की ही थी जिन्होंने रसासन को ही बनाया हुआ है इस फिल्म को एक मीडियम टू हाई बजट के साथ बनाया हुआ था करीबन सौ करोड़ के ऊपर का इस फिल्म का बजट बताया जा रहा है वहीं पर इस फिल्म को वासु भगनानी जेके भगनानी और दीप्शिका देशमुख ने मिलकर प्रोड्यूस किया हुआ था पूजा एंटरटेनमेंट के नीचे जिनको पहले थिएटर में इस फिल्म को रिलीज करने वाले थे लेकिन बाद में इस फिल्म को डायरेक्टली ओ के ऊपर प्रीमियर करवा दिया गया था जिसके डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स ओ के डिजनी प्लस होस्टल वालों ने खरीदे हुए थे अब मैं आपको बता देता हूँ इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर तो अक्षय कुमार रकुलप्रीत सिंह जोश ले क्लेयर आपको इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा चंद्रचूर सिंह सरगुन मेहता सुजीत शंकर जैसे दूसरे भी बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे जहाँ पे कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो एसआई अर्जुन सेठी के रोल में अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे दिव्या बक्सी के रोल में रकुलप्रीत सिंह देखने को मिलेगी इसके अलावा क्रिस्टोफर एग्निस फेरांडिस के रोल में जोशवा लेख देखने को मिलेंगे नरिंदर सिंह के रोल में चंद्रचोर सिंह देखने को मिलेंगे एस एच ओ गुड़िया परमार के रोल में सरगुन मेहता देखने को मिलेगी वहीं पे पुरुषोत्तम तोमार के रोल में सुजीत शंकर देखने को मिलेंगे हेड कॉन्स्टेबल महेंद्र कुलेर के रोल में गुरप्रीत कुग्गी देखने को मिलेंगे ऐसा रविचंद्रन मच्छान के रोल में शाहिद लतीफ देखने को मिलेंगे सीमा सिंह के रोल में हरिशिता भट्ट देखने को मिलेगी पायल सिंह ने इस फिल्म में पायल सिंह वाला जो किरदार है वो रेना है ने प्ले किया हुआ है अजय रोशनी बेनीवाल के रोल में आपको धंकी देखने को मिलेगी वहीं पर सोफिया के रोल में सुहा ने काम किया हुआ है शिल्पा सपनेकर ने इस फिल्म में क्लास टीचर का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए जो कहानी है उसमें इन सभी किरदारों का काफी इंपोर्टेंस आपको नजर आएगा

फिल्म दो घंटे और चौदह मिनट के आसपास के रन टाइम की देखने को मिलेगी इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी राजीव रवि ने की हुई है इसके अलावा इस फिल्म को जैसे कि कि मैंने कहा डायरेक्टली प्रीमियर करवाया गया था जिसके प्लस हॉटस्टार वालों ने खरीदे हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो अक्टूबर 2018 में लीड एक्टर विष्णु विशाल जो रसासन फिल्म के लीड एक्टर थे उन्होंने कंफर्म किया था कि उनके पास हिंदी राइट्स है लेकिन इनिशियली रिपोर्ट से क्लेम हुआ था कि इस फिल्म में आयुष्मान खुराना लीड रोल में होने वाले इस रिमेक में में अप्रोच किया जाने वाला है है लेकिन जुलाई दो में एक और अनाउंसमेंट होती है जहां पे बताया जाता है कि कुमार रकुल कुछ लोगों ने कहा था कि तेलुगु रक्षा नाम था उस फिल्म का उन्होंने रिमेक राइट्स खरीदा हुआ था रसासन के नहीं अब पता नहीं दोनों सभी चीजें सेम है क्योंकि इस फिल्म का जो पहला शेड्यूल है वो 21 अगस्त 2021 को यूके में स्टार्ट किया हुआ था अक्टूबर 2021 तक उसको वहाँ पे कंप्लीट करवाया गया था कोविड की वजह से इस फिल्म को अलग अलग, अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म का प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी बाद में फरवरी 2022 में रिज्यूम किया गया था मसूरी में इस फिल्म को पूरी तरह से वहाँ पर शूट किया गया था देहरादून में वहीं पर सत्रह फरवरी दो तक पूरी तरह से इस फिल्म को पेचवर के साथ रेप अप करवाया हुआ था साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा राइट्स खरीदे गए थे फिल्म में टोटल टो, चौदह मिनट के गाने टोटल चार गाने थे जिसको कंपोज़ किया हुआ था अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने बैकग्राउंड स्कोर है वो जूलियस पेकम ने कंपोज किया हुआ था इस फिल्म का जो पहला सिंगल था साथिया उसको चौबीस अगस्त दो को रिलीज़ किया गया था सेकंड सीडी सिंगल को रब्बा उसको तीस अगस्त दो को रिलीज़ किया गया था और तीस अगस्त दो के बाद इस फिल्म के सभी गानों को वीडियो फॉर्मेट में जी म्यूज़िक कंपनी के द्वारा बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया हुआ था पहला गाना यानी कि साथिया उसके लिरिक्स है वो तनिष बागची ने लिखे हुए थे म्यूजिक भी तनिष बागची ने ही दिया हुआ था गाया हुआ था निखिल डिसूजा और जहरान खान ने दूसरा गाना रब्बा उसके लिरिक्स उमार मलिक ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ था डॉक्टर ज्योस ने और सुखविंदर सिंह ने उसको गाया हुआ था लापता वाले गाने को लिखा हुआ था रश्मि विराग ने म्यूजिक दिया था आदित्य देव ने और सिंगर थे पायल देव और देव नेगी तीसरा चौथा गाना तू दिस दे उसको गाया हुआ था हामिद अली ने और नकीब ने लिखा हुआ था म्यूजिक दिया था डॉक्टर ज्योस ने और गाया हुआ था हामिद अली नकीबी ने तो इस तरह से इन चार गानों को तैयार करवाया गया था फिल्म के लिए जहाँ पे ये सभी गाने फिलहाल में आपको वीडियो फॉर्मेट में जी म्यूज़िक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर तो इस फिल्म को ओरिजिनली टाइटल मिशन सिंडेला दिया गया था बाद में चेंज करके कठपुतली रखा और रिलीज डेट थी वो उन्नीस अगस्त 2022 की सुनाई गई थी लेकिन उसके बाद में अक्षय कुमार की फिल्म में जिस तरह से 2022 में वर्क करी थे उसको देखते हुए इस फिल्म को बाद में ओ पे बेच दिया गया जहाँ पे ओ राइट्स डिजनी प्लस हॉटस्टार वालों ने बड़ी रकम देते हुए ख़रीदे और उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्टली ओ प्रीमियर करवाया दो सेप्टेम्बर दो को तो इस तरह से इस फिल्म को दो सेप्टेम्बर दो को ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला हुआ था और आईएमडी पे करीबन उन्नीस हज़ार वोट मिले हुए थे जिसमें पाँच पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो अब बात कर लेते किस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे सैटेलाइट और ओटीटी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर उसके ऊपर तो इस फिल्म के सैटेलाइट और ओ दोनों राइट्स स्टार नेटवर्क के ही पास है तो अगर आपको ये फिल्म टीवी पे देखनी है तो वो आपको देखने को मिलेगी स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर वहाँ पे ये फिल्म बिल्कुल फ्री में कटपुतली नाम से देखने को मिल जाएगी वहीं पे इस फिल्म के ओ टी राइट्स डिजनी प्लस हॉटस्टार के पास है तो ये फिल्म आपको कटपुतली नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्सन डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगी इसके अलावा एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस फिल्म को अगर आपको सेटेलाइट पर देखना है तो देखने को मिलेगी स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वहीं पे डिज्नी प्लस हो स्टार के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा वहीं पे इस फिल्म के जो ओरिजिनल वर्जन है जैसे कि रत्सासन और रक्षा सोडू ये दोनों वर्जन हिंदी में डब हो चुके है रक्षा सोडू को गुमनाम नाम दिया हुआ है रत्सासन को मैं दंड अधिकारी नाम दिया हुआ है और ये दोनों फिल्म में ऑफिशियली टीवी पे स्टार के नेट चैनल के ऊपर यानी कि स्टार उत्सव के ऊपर एक बार प्रीमियर करवाई गई थी मैं हूँ दंड अधिकारी को वहीं पे जी सिनेमा के ऊपर गुमनाम फिल्म को प्रीमियर करवाया गया था तो वहाँ पे इस फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे तो बस गाय इस तरह से आप कठपुतली फिल्म का हिंदी वर्जन और साथ ही में ओरिजिनल रक्षासन और गुमनाम यानी कि रक्षा सोड का जो हिंदी वर्जन है वो इन्जॉय कर सकते हो कठपुतली जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है इस फिल्म का जो जोनर है वो है साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर जहाँ पे फिल्म एक रीमेक फिल्म है इस फिल्म को रसासन फिल्म से रीमेक किया गया है जो 2018 की तमिल लैंग्वेज फिल्म थी उस फिल्म को राम कुमार ने लिखा हुआ था रसासन एक कल्ट क्लासिक फिल्म है जहाँ पे वो एक स्लेशर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी विष्णु विशाल अमलापोल सर्वानंद लीड रोल में थे फिल्म का मीडियम काइंड ऑफ बजट था बि बॉक्स ऑफिस पे 20 से 30 करोड़ जितना कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा हिट का टेग लिया और उसके बाद में कल्ट क्लासिक फिल्म साबित हुई और उसके बाद में रसासन फिल्म का तमिल और हिंदी वर्जन सॉरी तेलुगु और हिंदी वर्जन में रीमेक किया गया जहाँ पे तेलुगू वर्जन में रक्षा सूडो नाम दिया गया उसको भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था वहीं पर हिंदी वर्जन को पहले मिशन सिंड्रेला नाम देने वाले थे लेकिन बाद में कठपुतली नाम के साथ अक्षय कुमार को लेते हुए रीमेक किया गया था तो रसा फिल्म को वैसे तो फ्रेम बाई फ्रेम ही कॉपी किया गया कह सकते हैं लेकिन फिल्म को थोड़ा अलग लोकेशन में सेट किया हुआ है और हिंदी नेटिविटी के हिसाब से अक्षय कुमार का जो एक और है उसके हिसाब से स्क्रिप्टिंग में थोड़े चेंजेस किए हुए हैं तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रंजित एम तिवारी ने कहानी कौसिम अरोरा ने डेवलप किया हुआ था हिंदी वजन के लिए स्क्रीन प्ले तो साथ त्रिवेदी ने लिखा हुआ है ओरिजिनल स्टोरी तो राम कुमार की ही थी जिन्होंने रसासन को ही बनाया हुआ है इस फिल्म को एक मीडियम टू हाई बजट के साथ बनाया हुआ था करीबन सौ करोड़ के ऊपर का इस फिल्म का बजट बताया जा रहा है वहीं पर इस फिल्म को वासु भगनानी के भगनानी और दीप्सिका देशमुख ने मिलकर प्रोड्यूस किया हुआ था पूजा एंटरटेनमेंट के नीचे जिनको पहले थिएटर में इस फिल्म को रिलीज करने वाले थे लेकिन बाद में इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी के ऊपर प्रीमियर करवा दिया गया था जिसके डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स ओटीटी के डिज्नी प्लस होस्टल वालों ने खरीदे हुए थे अब मैं आपको बता देता हूँ इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर तो अक्षय कुमार रकुलप्रीत सिंह जोश वाली क्लेयर आपको इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा चंद्रचूर सिंह सरगुन मेहता सुजीत शंकर जैसे दूसरे भी बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे जहाँ पे कौन सा एक्टर कौन सा रोल कर है उसके ऊपर बातचीत करें तो एसआई अर्जन के रोल में अक्षय कुमार -ले देखने को मिलेंगे नरिंदर सिंह के रोल में चंद्रचोर सिंह देखने को मिलेंगे एस एच ओ गुड़िया परमार के रोल में सरगुन मेहता देखने को मिलेगी वहीं पे पुरुषोत्तम तोमार के रोल में सुजीत शंकर देखने को मिलेंगे हेड कॉन्स्टेबल महेंद्र ले रहे के रोल में गुरप्रीत देखने को मिलेंगे कुछ रविचंद्रन मच्छान के रोल में शायद लतीफ देखने को मिलेंगे सीमा सिंह के रोल में हरिशिता देखने को मिलेगी पायल सिंह ने इस फिल्म में पायल सिंह वाला जो किरदार है वो रेना तेजानी ने प्ले किया हुआ है अजय रोशनी बेनीवाल के रोल में आपको धंकी देखने को मिलेगी वहीं पर सोफिया के रोल में सुहानी सुहा ने काम किया हुआ है शिल्पा सपनेकर ने इस फिल्म में क्लास टीचर का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें काफी काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए जो कहानी है उसमें इन सभी किरदारों का काफी इंपॉर्टेंस आपको नजर आएगा इस फिल्म की लीड कास्ट मैंने आपको बता दी है अब टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक वो जूलियस पेकमेम ने क्रिएट किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर उन्होंने क्रिएट किया हुआ था वहीं पर जो गाने हैं वो तनीज बाग जी डॉक्टर जियस और आदित्य देव ने मिलकर कंपोज किए हुए थे टोटल चार गाने थे फिल्म में जिसके राइट म्यूजिक कंपनी वालों ने काफी बड़ी रकम देते हुए खरीदे हुए थे इस फिल्म की एडिटिंग है वो चंदन अरोरा ने की हुई जिन्होंने

पास हिंदी रिमेक राइट है लेकिन इनिशियली रिपोर्ट से क्लेम हुआ था कि इस, फिल्म में में इस, में कि इस में और अक्षय कुमार फिल्म लीड रोल में होने वाले जिसका हिंदी रिमेक में टाइटल होने वाला है कुछ लोगों ने कहा था कि तेलुगु रक्षा सूडो नाम था उस फिल्म का उन्होंने रिमेक राइट्स खरीदा हुआ था नहीं अब पता नहीं दोनों सभी चीजें सेम है क्योंकि इनिशियली जो प्लॉट है वो सेम है इस फिल्म का जो पहला शेड्यूल है वो 21 अगस्त 2021 को यूके में स्टार्ट किया हुआ था अक्टूबर 2021 तक उसको वहाँ पे कंप्लीट करवाया गया था कोविड की वजह से इस फिल्म को अलग अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म का प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी बाद में फरवरी 2022 में रिज्यूम किया गया था मसूरी में इस फिल्म को पूरी तरह से वहाँ पर शूट किया गया था देहरादून में वहीं पर सत्रह फरवरी दो तक पूरी तरह से इस फिल्म को पेचवर्क के साथ रेप अप करवाया हुआ था साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा राइट्स खरीदे गए थे फिल्म में टोटल टो, टो चौदह मिनट के गाने टोटल चार गाने थे जिसको कंपोज किया हुआ था अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने बैकग्राउंड स्कोर है वो जूलियस पेकम ने कंपोज किया हुआ था इस फिल्म का जो पहला सिंगल था साथिया उसको चौबीस अगस्त दो को रिलीज़ किया गया था सेकंड सिंगल को रब्बा उसको तीस अगस्त दो को रिलीज किया गया था और तीस अगस्त दो के बाद इस फिल्म के सभी गानों को वीडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया हुआ था Premises, पहला गाना यानी कि साथिया उसके लिरिक्स है वो तनिष बागची ने लिखे हुए थे म्यूजिक भी तनिष बागची ने ही दिया हुआ था गाया हुआ था निखिल डिसूजा और जहरान खान ने दूसरा गाना रब्बा उसके लिरिक्स उमार मलिक ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ था डॉक्टर ज्योस ने और सुखविंदर सिंह ने उसको गाया हुआ था लापता वाले गाने को लिखा हुआ था रश्मि विराग ने म्यूजिक दिया था आदित्य देव ने और सिंगर थे पायल देव और देव नेगी तीसरा चौथा गाना तू दिस दे उसको गाया हुआ था हामिद अली ने और नकीब ने लिखा रखा हुआ था म्यूजिक दिया था डॉक्टर जियस ने और गाया हुआ था हामिद अली नकीबी ने तो इस तरह से इन चार गानों को तैयार करवाया गया था फिल्म के लिए जहाँ पे सभी गाने फिलहाल में आपको वीडियो फॉर्मेट में जी म्यूज़िक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर तो इस फिल्म को ओरिजिनली टाइटल मिशन सिंडेला दिया गया था बाद में चेंज करके कठपुतली रखा और रिलीज डेट थे वो उन्नीस अगस्त 2022 की सुनाई गई थी लेकिन उसके बाद में अक्षय कुमार की फिल्म में जिस तरह से 2022 में वर्क करी थे उसको देखते हुए इस फिल्म को बाद में ओ पे बेच दिया गया जहाँ पे ओ राइट्स डिजनी प्लस होस्टल वालों ने बड़ी रकम देते हुए ख़रीदे और उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्टली ओ प्रीमियर करवाया दो सेप्टेम्बर दो को तो इस तरह से इस फिल्म को दो सेप्टेम्बर दो को ओटी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ मिला हुआ था और आई एम डी पे करीबन उन्नीस हजार वोट मिले हुए थे जिसमें पाँच पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो अब बात कर लेते किस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे सेटेलाइट और ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर उसके ऊपर तो इस फिल्म के सैटेलाइट और ओटीटी दोनों राइट्स स्टार नेटवर्क के ही पास है तो अगर आपको ये फिल्म टीवी पे देखनी है तो वो आपको देखने को मिलेगी स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर वहाँ पे ये फिल्म बिल्कुल फ्री में कठपुतली नाम से देखने को मिल जाएगी वहीं पे इस फिल्म के ओटीटी दी राइट्स डिजनी प्लस हॉटस्टार के पास है तो ये फिल्म आपको कठपुतली नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्सन डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगी इसके अलावा एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस फिल्म को अगर आपको सेटेलाइट पर देखना है तो देखने को मिलेगी स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वहीं पे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा वहीं पे इस फिल्म के जो ओरिजिनल वर्जन है जैसे कि रत्सासन और रक्षासोडू ये दोनों वर्जन हिंदी में डब हो चुके रक्षासोडू को गुमनाम नाम दिया हुआ है रत्सासन को मैं हूं डांडाधिकारी नाम दिया हुआ है और ये दोनों फिल्म में ऑफिशियली टीवी पे स्टार के नेट चैनल के ऊपर यानी कि स्टार उत्सव के ऊपर एक बार प्रीमियर करवाई गई थी मैं हूँ दंड अधिकारी को वहीं पे जी सिनेमा के ऊपर गुमनाम फिल्म को प्रीमियर करवाया गया था तो वहाँ पे इस फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे तो बस गैज इस तरह से आप कठपुतली फिल्म का हिंदी वर्जन और साथ ही में ओरिजिनल रक्षासन और गुमनाम यानी कि रक्षा का जो हिंदी वर्जन है वो इन्जॉय कर सकते हो कठपुतली जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है इस फिल्म का जो जोनर है वो है साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर जहाँ पे फिल्म एक रीमेक फिल्म है इस फिल्म को रसासन फिल्म से रीमेक किया गया है जो 2018 की तमिल लैंग्वेज फिल्म थी उस फिल्म को राम कुमार ने लिखा हुआ था रसासन एक कल्ट क्लासिक फिल्म है जहाँ पे वो एक स्लेसर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी विष्णु विशाल अमला सर्वानंद लीड रोल में थे फिल्म का मीडियम काइंड ऑफ बजट था बॉक्स ऑफिस पे 20 से 30 करोड़ जितना कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा हिट का टेग लिया और उसके बाद में एक कल्ट क्लासिक फिल्म साबित हुई और उसके बाद में रसासन फिल्म का तमिल और हिंदी वर्जन सॉरी तेलुगु और हिंदी वर्जन में रीमेक किया गया जहाँ पे तेलगू वर्जन में रक्षा सुडो नाम दिया गया उसको भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था वहीं पर हिंदी वर्जन को पहले मिशन सिंड्रेला नाम देने वाले थे लेकिन बाद में कठपुतली नाम के साथ अक्षय कुमार को लेते हुए रीमेक किया गया था तो रसा फिल्म को वैसे तो फ्रेम बाई फ्रेम ही कॉपी किया गया कह सकते हैं लेकिन फिल्म को थोड़ा अलग लोकेशन में सेट किया हुआ है और हिंदी नेटिविटी के हिसाब से अक्षय कुमार का जो एक हो है उसके हिसाब से स्क्रिप्टिंग में थोड़े चेंजेस किए हुए हैं तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रंजीत एम तिवारी ने कहानी कौशिम अरोरा ने डेवलप किया हुआ था हिंदी वर्जन के लिए स्क्रीन प्ले तो साथ त्रिवेदी ने लिखा हुआ है ओरिजिनल स्टोरी तो राम कुमार की ही थी जिन्होंने रसासन को ही बनाया हुआ है इस फिल्म को एक मीडियम टू हाई बजट के साथ बनाया हुआ था करीबन सौ करोड़ के ऊपर का इस फिल्म का बजट बताया जा रहा है वहीं पर इस फिल्म को आशु भगनानी जेके भगनानी और दीप्सिका देशमुख ने मिलकर प्रोड्यूस किया हुआ था पूजा एंटरटेनमेंट के नीचे जिनको पहले थिएटर में इस फिल्म को रिलीज़ करने वाले थे लेकिन बाद में इस फिल्म को डायरेक्टली ओ के ऊपर प्रीमियर करवा दिया गया था जिसके डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स ओ के डिजनी प्लस हॉटस्टार वालों ने खरीदे हुए थे अब मैं आपको बता देता हूँ इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर तो अक्षय कुमार रकुलप्रीत सिंह जोश वाली क्लेयर आपको इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा चंद्रचूर सिंह सरगुन मेहता सुजीत शंकर जैसे दूसरे भी बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे जहाँ पे कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो एस आई अर्चन सेठी के रोल में अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे दिव्या बक्सी के रोल में रकुलप्रीत सिंह देखने को मिलेगी इसके अलावा क्रिस्टोफर एग्निस फेरनाडिस के रोल में जोशवा लेख देखने को मिलेंगे नरिंदर सिंह के रोल में चंद्रचोर सिंह देखने को मिलेंगे एस एच ओ गुड़िया परमार के रोल में सरगुन मेहता देखने को मिलेगी वहीं पे पुरुषोत्तम तोमार के रोल में सुजीत शंकर देखने को मिलेंगे हेड कॉन्स्टेबल महेंद्र गुले के रोल में गुरप्रीत कुग्गी देखने को मिलेंगे ईसा रविचंद्रन मच्छान के रोल में शायद लतीफ देखने को मिलेंगे सीमा सेती सिंह के रोल में हरिशिता भट्ट देखने को मिलेगी पायल सिंह ने इस फिल्म में पायल सिंह वाला जो किरदार है वो रेना तेजानी ने प्ले किया हुआ है अजय रोशनी बेनीवाल के रोल में आपको धंकी देखने को मिलेगी वहीं पर सोफिया के रोल में सुहा ने काम किया हुआ है शिल्पा सापनेकर ने इस फिल्म में क्लास टीचर का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म के प्रोमिनेट कास्ट है जिन्होंने इसमें काफी इंपोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए जो कहानी है उसमें इन सभी किरदारों का काफ़ी इंपॉर्टेंस आपको नजर आएगा

फिल्म दो घंटे और चौदह मिनट के आसपास के रन टाइम की देखने को मिलेगी इस फिल्म की सीनेमेटोग्राफी राजीव रवि ने की हुई है इसके अलावा इस फिल्म को जैसे कि कि मैंने कहा डायरेक्टली पे प्रीमियर करवाया गया था जिसके राइट प्लस होस्टल वालों ने खरीदे हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो अक्टूबर 2018 में लीड एक्टर विष्णु विशाल जो रसासन फिल्म के लीड एक्टर थे उन्होंने कंफर्म किया था कि उनके पास हिंदी रिमिक राइट लेकिन इनिशियली रिपोर्ट से क्लेम हुआ था कि इस फिल्म में आयुष्मान खुराना लीड रोल में होने वाले

इस फिल्म का जो पहला शेड्यूल है वो 21 अगस्त 2021 को यूके में स्टार्ट किया हुआ था अक्टूबर 2021 तक उसको वहाँ पे कंप्लीट करवाया गया था कोविड की वजह से इस फिल्म को अलग अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म का प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी बाद में फरवरी 2022 में रिज्यूम किया गया था मसूरी में इस फिल्म को पूरी तरह से वहाँ पर शूट किया गया था देहरादून में वहीं पर सत्रह फरवरी दो तक पूरी तरह से इस फिल्म को पेचवर के साथ रेपअप करवाया हुआ था साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा राइट्स खरीदे गए थे फिल्म में टोटल टो, 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 चौदह मिनट के गाने टोटल चार गाने थे जिसको कंपोज किया हुआ था अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने बैकग्राउंड स्कोर है वो जूलियस ने कंपोज किया हुआ था इस फिल्म का जो पहला सिंगल था साथिया उसको चौबीस अगस्त दो, अगस दो को रिलीज किया गया था सेकंड सिंगल को रब्बा उसको तीस अगस्त दो को रिलीज किया गया था और तीस अगस्त दो के बाद इस फिल्म के सभी गानों को वीडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया हुआ था पहला गाना यानी कि साथिया उसके लिरिक्स है वो तनिष बागची ने लिखे हुए थे म्यूजिक भी तनिष बागची ने ही दिया हुआ था गाया हुआ था निखिल डिसूजा और जहरान खान ने दूसरा गाना रब्बा उसके लिरिक्स उमार मलिक ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ था डॉक्टर ज्योस ने और सुखविंदर सिंह ने उसको गाया हुआ था लापता वाले गाने को लिखा हुआ था रश्मि विराग ने म्यूजिक दिया था आदित्य देव ने और सिंगर थे पायल देव और देव नेगी तीसरा चौथा गाना तू दिस दे उसको गाया हुआ था हामिद अली ने और नकीब ने लिखा हुआ था म्यूजिक दिया था डॉक्टर जियस ने और गाया हुआ था हामिद अली नकीबी ने तो इस तरह से इन चार गानों को तैयार करवाया गया था फिल्म के लिए जहाँ पे सभी गाने फिलहाल में आपको वीडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो इस फिल्म को ओरिजिनली टाइटल मिशन सिंडेला दिया गया था बाद में चेंज करके कठपुतली रखा और रिलीज़ डेट थी वो उन्नीस अगस्त 2022 की सुनाई गई थी लेकिन उसके बाद में अक्षय कुमार की फिल्म में जिस तरह से 2022 में वर्क करे थे उसको देखते हुए इस फिल्म को बाद में ओ पे बेच दिया गया जहाँ पे ओ राइट्स डिजनी प्लस हॉटस्टार वालों ने बड़ी रकम देते हुए ख़रीदे और उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्टली ओ प्रीमियर करवाया दो सेप्टेम्बर दो को तो इस तरह से इस फिल्म को दो सेप्टेम्बर दो को ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ मिला हुआ था और आई एम डी पे करीबन उन्नीस हजार वोट मिले हुए थे जिसमें पाँच पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो अब बात कर लेते किस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे सेटेलाइट और ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर उसके ऊपर तो इस फिल्म के सैटेलाइट और ओटीटी दोनों राइट्स स्टार नेटवर्क के ही पास है तो अगर आपको ये फिल्म टीवी पे देखनी है तो वो आपको देखने को मिलेगी स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर वहाँ पे ये फिल्म बिल्कुल फ्री में कठपुतली नाम से देखने को मिल जाएगी वहीं पे इस फिल्म के ओ टी टी राइट डिजनी प्लस हॉट के पास है तो ये फिल्म आपको कटपुतली नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन डिजनी प्लस हॉस्टार के ऊपर देखने को मिलेगी इसके अलावा एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस फिल्म को अगर आपको सेटेलाइट पर देखना है तो देखने को मिलेगी स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वहीं पे डिज्नी प्लस और स्टार के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा वहीं पे इस फिल्म के जो ओरिजिनल वर्जन है जैसे कि रक्षासन और रक्षासड़ू ये दोनों वर्जन हिंदी में डब हो चुके रक्षासड़ू को गुमनाम नाम दिया हुआ है रक्षासन को मैं हूं डांडाधिकारी नाम दिया हुआ है और ये दोनों फिल्म में ऑफिशियली टीवी पे स्टार के नेट चैनल के ऊपर यानी कि स्टार उत्सव के ऊपर एक बार प्रीमियर करवाई गई थी मैं हूँ दंड अधिकारी को वहीं पे जी सिनेमा के ऊपर गुमनाम फिल्म को प्रीमियर करवाया गया था तो वहां पे इस फिल्म को ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे तो बस गैज इस तरह से आप कठपुतली फिल्म का हिंदी वर्जन और साथ ही में ओरिजिनल रक्षासन और गुमनाम यानी कि रक्षा का जो हिंदी वर्जन है वो इंजॉय कर सकते हो कठपुतली जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है इस फिल्म का जो जोनर है वो है साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर जहाँ पे फिल्म एक रीमेक फिल्म है इस फिल्म को रत्सासन फिल्म से रीमेक किया गया है जो 2018 की तमिल लैंग्वेज फिल्म थी उस फिल्म को राम कुमार ने लिखा हुआ था रत्सासन एक कल्ट क्लासिक फिल्म है जहाँ पे वो एक स्लेसर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी विष्णु विशाल अमला सर्वानंद लीड रोल में थे फिल्म का मीडियम काइंड ऑफ बजट था बॉक्स ऑफिस पे 20 से 30 करोड़ जितना कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा हिट का टेग लिया और उसके बाद में कल्ट क्लासिक फिल्म साबित हुई और उसके बाद में रसासन फिल्म का तमिल और हिंदी वर्जन सॉरी तेलुगु और हिंदी वर्जन में रिमेक किया गया जहाँ पे तेलुगु वर्जन में रक्षा सुडू नाम दिया गया उसको भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला था वहीं पे हिंदी वर्जन को पहले मिशन सिंड्रेला नाम देने वाले थे लेकिन बाद में कठपुतली नाम के साथ अक्षय कुमार को लेते हुए रीमेक किया गया था तो रसासन फिल्म को वैसे तो फ्रेम बाई फ्रेम ही कॉपी किया गया कह सकते हैं लेकिन फिल्म को थोड़ा अलग लोकेशन में सेट किया हुआ है और हिंदी नेटिविटी के हिसाब से अक्षय कुमार का जो एक और है उसके हिसाब से स्क्रिप्टिंग में थोड़े चेंजेस किए हुए हैं तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रंजीत एम तिवारी ने कहानी कौसिम अरोरा ने डेवलप किया हुआ था हिंदी वर्जन के लिए स्क्रीन प्ले तो साथ त्रिवेदी ने लिखा हुआ है ओरिजिनल स्टोरी तो राम कुमार की ही थी जिन्होंने रसासन को ही बनाया हुआ है इस फिल्म को एक मीडियम टू हाई बजट के साथ बनाया हुआ था करीबन सौ करोड़ के ऊपर का इस फिल्म का बजट बताया जा रहा है वहीं पर इस फिल्म को वासु भगनानी जेके भगनानी और दीपिका देशमुख ने मिलकर प्रोड्यूस किया हुआ था पूजा एंटरटेनमेंट के नीचे जिनको पहले थिएटर में इस फिल्म को रिलीज़ करने वाले थे लेकिन बाद में इस फिल्म को डायरेक्टली ओ के ऊपर प्रीमियर करवा दिया गया था जिसके डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स ओ के डिजनी प्लस हॉटस्टार वालों ने खरीदे हुए थे अब मैं आपको बता देता हूँ इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर तो अक्षय कुमार रकुलप्रीत सिंह जोश वाले क्लेयर आपको इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा चंद्रचूर सिंह सरगुन मेहता सुजीत शंकर जैसे दूसरे भी बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे जहाँ पे कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर है उसके ऊपर बातचीत करें तो एस आई अर्चन सेठी के रोल में अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे दिव्या बक्सी के रोल में रकुलप्रीत सिंह <Nicore> देखने को मिलेगी इसके अलावा क्रिस्टोफर एग्निस फर्नांडिस के रोल में जोशुआ लेख देखने को मिलेंगे नरिंदर सिंह के रोल में चंद्रचोर सिंह देखने को मिलेंगे एस एच ओ गुड़िया परमार के रोल में सरगुन मेहता देखने को मिलेगी वहीं पे पुरुषोत्तम तोमार के रोल में सुजीत शंकर देखने को मिलेंगे हेड कांस्टेबल महेंद्र गुलेरिया के रोल में गुरप्रीत गुग्गी देखने को मिलेंगे ईसाई रविचंद्रन मच्छान के रोल में शाहिद लतीफ देखने को मिलेंगे सीमा सेठी सिंह के रोल में हरिशिता भट्ट देखने को मिलेगी पायल सिंह ने इस फिल्म में पायल सिंह वाला जो किरदार है वो रेना है, तेजानी ने प्ले किया हुआ है आजय रोशनी बेनीवाल के रोल में आपको सुहानी धंकी देखने को मिलेगी वहीं पे सोफिया के रोल में सुहानी सेठी ने काम किया हुआ है शिल्पा सापनेकर ने इस फिल्म में क्लास टीचर का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म के प्रोमिनेट कास्ट है जिन्होंने इसमें काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं जो कहानी है उसमें इन सभी किरदारों का काफ़ी इंपॉर्टेंस आपको नजर आएगा इस फिल्म की लीड कास्ट मैंने आपको बता दी है अब टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक वो जूलियस पेकमेम ने क्रिएट किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर उन्होंने क्रिएट किया हुआ था वहीं पे जो गाने हैं वो तनीज बाग की डॉक्टर जियस और आदित्य देव ने मिलकर कंपोज किए हुए थे टोटल चार गाने थे फिल्म में जिसके राइट सी म्यूजिक कंपनी वालों ने काफी बड़ी रकम

लीड एक्टर विष्णु विशाल जो रसासन फिल्म के लीड एक्टर थे उन्होंने कन्फर्म किया था कि उनके पास हिंदी रिमेक है लेकिन इनिशियली रिपोर्ट से क्लेम हुआ था कि इस फिल्म में आयुष्मान खुराना लीड रोल में होने वाले है। इस रिमेक में उनको अप्रोच किया जाने वाला है लेकिन जुलाई दो में एक और अनाउंसमेंट होती है जहां पर बताया जाता है कि अक्षय कुमार रकुलप्रीत सिंह इस फिल्म के लीड रोल में होने वाले जिसका हिंदी रिमेक में टाइटल होने वाला है मिशन सिंड्रेला कुछ लोगों ने कहा था कि तेलुगु रक्षा नाम था उस फिल्म का उन्होंने रिमेक राइट्स खरीदा हुआ था रसासन के नहीं पता नहीं दोनों सभी चीजें सेम है क्योंकि इनिशियली जो प्लॉट है वो सेम है इस फिल्म का जो पहला शेड्यूल है वो इक्कीस अगस्त 2021 को यूके में स्टार्ट किया हुआ था अक्टूबर 2021 तक उसको वहाँ पे कंप्लीट करवाया गया था कोविड की वजह से इस फिल्म को अलग अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म का प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी बाद में फरवरी 2022 में रिज्यूम किया गया था मसूरी में इस फिल्म को पूरी तरह से वहाँ पर शूट किया गया था देहरादून में वहीं पर सत्रह फरवरी दो तक पूरी तरह से इस फिल्म को पेचवर के साथ रेप अप करवाया हुआ था साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा राइट्स खरीदे गए थे फिल्म में टोटल टो, टो चौदह मिनट के गाने टोटल चार गाने थे जिसको कंपोज किया हुआ था अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने बैकग्राउंड स्कोर है वो जूलियस ने कंपोज किया हुआ था इस फिल्म का जो पहला सिंगल था साथिया उसको चौबीस अगस्त दो को रिलीज किया गया था सेकंड सिंगल को रब्बा उसको तीस अगस्त दो को रिलीज किया गया था और तीस अगस्त दो के बाद इस फिल्म के सभी गानों को वीडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया हुआ था पहला गाना यानी कि साथिया उसके लिरिक्स थे वो तनीस बागची ने लिखे हुए थे म्यूज़िक भी तनीस बागची ने ही दिया हुआ था गाया हुआ था निखिल डिसूजा और जहरान खान ने दूसरा गाना रब्बा उसके लिरिक्स उमार मलिक ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ था डॉक्टर जियोस ने और सुखविंदर सिंह ने उसको गाया हुआ था लापता वाले गाने को लिखा हुआ था रश्मि विराग ने म्यूजिक दिया था आदित्य देव ने और सिंगर थे पायल देव और देव नेगी तीसरा चौथा गाना तू दिस दे उसको गाया हुआ था हामिद अली ने और नकीब ने लिखा हुआ था म्यूजिक दिया था डॉक्टर जियस ने और गाया हुआ था हामिद अली नकीबी ने तो इस तरह से इन चार गानों को तैयार करवाया गया था फिल्म के लिए जहाँ पे सभी गाने फिलहाल में आपको वीडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो इस फिल्म को ओरिजिनली टाइटल मिशन सिंडेला दिया गया था बाद में चेंज करके कठपुतली रखा और रिलीज़ डेट थी वो उन्नीस अगस्त 2022 की सुनाई गई थी लेकिन उसके बाद में अक्षय कुमार की फिल्म में जिस तरह से 2022 में वर्क करे थे उसको देखते हुए इस फिल्म को बाद में ओ पे बेच दिया गया जहाँ पे ओ राइट्स डिजनी प्लस होस्टर वालों ने बड़ी रकम देते हुए ख़रीदे और उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्टली ओ प्रीमियर करवाया दो सेप्टेम्बर दो को तो इस तरह से इस फिल्म को दो सेप्टेम्बर दो ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ मिला हुआ था और आई डी पे करीबन उन्नीस हजार वोट मिले हुए थे जिसमें पाँच पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो अब बात कर लेते किस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे सेटेलाइट और ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर उसके ऊपर तो इस फिल्म के सैटेलाइट और ओटीटी दोनों राइट्स स्टार नेटवर्क के ही पास है तो अगर आपको ये फिल्म टीवी पे देखनी है तो वो आपको देखने को मिलेगी स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर वहाँ पे ये फिल्म बिल्कुल फ्री में कठपुतली नाम से देखने को मिल जाएगी वहीं पे इस फिल्म के ओ टी टी डिजनी प्लस हॉस्टार के पास है तो ये फिल्म आपको कठपुतली नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन डिजनी प्लस हॉस्टार के ऊपर देखने को मिलेगी इसके अलावा एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस फिल्म को अगर आपको सेटेलाइट पर देखना है तो देखने को मिलेगी स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वहीं पे डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन विथ इंग्लिश सबटाइटल टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा वहीं पे इस फिल्म के जो ओरिजिनल वर्जन है जैसे कि रक्षासन और रक्षा ये दोनों वर्जन हिंदी में डब हो चुके रक्षा को गुमनाम नाम दिया हुआ है रक्षासन को मैं दंड अधिकारी नाम दिया हुआ है और ये दोनों फिल्म में ऑफिशियली टीवी पे स्टार के नेट चैनल के ऊपर यानी कि स्टार उत्सव के ऊपर एक बार प्रीमियर करवाई गई थी मैं दंड अधिकारी को वहीं पे जी सिनेमा के ऊपर गुमनाम फिल्म को प्रीमियर करवाया गया था तो वहां पे इस फिल्म को ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे तो बस गायज इस तरह से आप कठपुतली फिल्म का हिंदी वर्जन और साथ ही में ओरिजिनल रक्षासन और गुमनाम यानी कि रक्षा का जो हिंदी वर्जन है वो इंजॉय कर सकते हो कठपुतली जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है इस फिल्म का जो जोनर है वो है साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर जहाँ पे फिल्म एक रीमेक फिल्म है इस फिल्म को रत्सासन फिल्म से रीमेक किया गया है जो 2018 की तमिल लैंग्वेज फिल्म थी उस फिल्म को राम कुमार ने लिखा हुआ था रत्सासन एक कल्ट क्लासिक फिल्म है जहाँ पे वो एक स्लेसर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी विष्णु विशाल अमला सर्वानंद लीड रोल में थे फिल्म का मीडियम काइंड ऑफ बजट था बी बॉक्स ऑफिस पे 20 से 30 करोड़ जितना कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा हिट का टैग लिया और उसके बाद में एक कल्ट क्लासिक फिल्म साबित हुई और उसके बाद में रसासन फिल्म का तमिल और हिंदी वर्जन सॉरी तेलुगु और हिंदी वर्जन में रिमेक किया गया जहाँ पे तेलुगु वर्जन में रक्षा सूडो नाम दिया गया उसको भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था वहीं पर हिंदी वर्जन को पहले मिशन सिंड्रेला नाम देने वाले थे लेकिन बाद में कठपुतली नाम के साथ अक्षय कुमार को लेते हुए रीमेक किया गया था तो रसासन फिल्म को वैसे तो फ्रेम बाय फ्रेम ही कॉपी किया गया कह सकते हैं लेकिन फिल्म को थोड़ा अलग लोकेशन में सेट किया हुआ है और हिंदी नेटिविटी के हिसाब से अक्षय कुमार का जो एक हो रहा है उसके हिसाब से स्क्रिप्टिंग में थोड़े चेंजेस किए हुए हैं तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रंजीत एम तिवारी ने कहानी कौसिम अरोरा ने डेवलप किया हुआ था हिंदी वर्जन के लिए स्क्रीन प्ले तो तुषा त्रिवेदी ने लिखा हुआ है ओरिजिनल स्टोरी तो राम कुमार की ही थी जिन्होंने रसासन को ही बनाया हुआ है इस फिल्म को एक मीडियम टू हाई बजट के साथ बनाया हुआ था करीबन सौ करोड़ के ऊपर का इस फिल्म का बजट बताया जा रहा है वहीं पे इस फिल्म को वासु भगनानी के भगनानी और दीपिका देशमुख ने मिलकर प्रोड्यूस किया हुआ था पूजा एंटरटेनमेंट के नीचे जिनको पहले थिएटर में इस फिल्म को रिलीज करने वाले थे लेकिन बाद में इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी के ऊपर प्रीमियर करवा दिया गया था जिसके डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स ओटीटी के डिज्नी प्लस होस्टल वालों ने खरीदे हुए थे अब मैं आपको बता देता हूँ इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर तो अक्षय कुमार रकुलप्रीत सिंह जोश वाली क्लेयर आपको इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा चंद्रचूर सिंह सरगुन मेहता सुजीत शंकर जैसे दूसरे भी बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे जहाँ पे कौन सा एक्टर कौन सा रोल करा है उसके ऊपर बातचीत करें तो एस आई सेठी के रोल में अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे दिव्या बक्सी के रोल में रकुलप्रीत सिंह देखने को मिलेगी इसके अलावा क्रिस्टोफर एग्निस फर्नांडिस के रोल में जोस्वा लेखले देखने को मिलेंगे नरिंदर सिंह के रोल में चंद्रशोर सिंह देखने को मिलेंगे एस एच ओ गुड़िया परमार के रोल में सरगुन मेहता देखने को मिलेगी वहीं पे पुरुषोत्तम तोमार के रोल में सुजीत शंकर देखने को मिलेंगे हेड कांस्टेबल महेंद्र गुलेरिया के रोल में गुरप्रीत गुग्गी देखने को मिलेंगे ईसाई रविचंद्रन मच्छान के रोल में शाहिद लतीफ देखने को मिलेंगे सीमा सेठी सिंह के रोल में हरिशिता भट्ट देखने को मिलेगी पायल सिंह ने इस फिल्म में पायल सिंह वाला जो किरदार है वो रेना है, तेजानी ने प्ले किया हुआ है अजय रोशनी बेनीवाल के रोल में आपको सुहानी धंकी देखने को मिलेगी वहीं पर सोफिया के रोल में सुहा ने काम किया हुआ है शिल्पा सापनेकर ने फिल्म में क्लास टीचर का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फ़िल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए जो कहानी है उसमें इन सभी किरदारों का काफ़ी इम्पोर्टेंस आपको नजर आएगा इस फिल्म की लीड कास्ट मैंने आपको बता दी है अब टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक देव ने मिलकर कंपोज किए हुए थे टोटल चार गाने थे वालों ने काफी बड़ी रकम देते हुए खरीदे हुए थे इस फिल्म की एडिटिंग है वो चंदन अरोरा ने की हुई जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था एक मिनट यानी कि दो घंटे और चौदह मिनट के आसपास के रन टाइम की देखने को मिलेगी इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी राजीव रवि ने की हुई है इसके अलावा इस फिल्म को जैसे कि कि मैंने कहा डायरेक्टली पे प्रीमियर करवाया गया था जिसके प्लस होस्टर वालों ने खरीदे हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो अक्टूबर दो में लीड एक्टर विष्णु विशाल जो रसासन फिल्म के लीड एक्टर थे उन्होंने कन्फर्म किया था कि उनके पास हिंदी रिमिक राइट्स है लेकिन इनिशियली रिपोर्ट से क्लेम हुआ था कि इस फिल्म में आयुष्मान खुराना लीड रोल में होने वाले इस रिमेक में उनको अप्रोच किया जाने वाला है लेकिन जुलाई 2021 में एक और अनाउंसमेंट होती है जहां पे बताया जाता है कि अक्षय कुमार रकुलप्रीत सिंह इस फिल्म के लीड रोल में होने वाले हैं जिसका हिंदी रीमेक में टाइटल होने वाला है मिशन सिंड्रेला कुछ लोगों ने कहा था कि तेलुगु रक्षा सूडो नाम था उस फिल्म का उन्होंने रिमेक राइट्स खरीदा हुआ था रक्षा के नहीं अब पता नहीं दोनों सभी चीज़ें सेम है क्योंकि इनिशियली जो प्लॉट है वो सेम है इस फिल्म का जो पहला शेड्यूल है वो 21 अगस्त 2021 को यूके में स्टार्ट किया हुआ था अक्टूबर 2021 तक उसको वहाँ पे कंप्लीट करवाया गया था कोविड की वजह से इस फिल्म को अलग अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म का प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है बाद में फरवरी 2022 में रिज्यूम किया गया था मसूरी में इस फिल्म को पूरी तरह से वहाँ पर शूट किया गया था देहरादून में वहीं पर सत्रह फरवरी दो तक पूरी तरह से इस फिल्म को पेचवर के साथ रेप अप करवाया हुआ था साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो जी म्यूजिक कंपनी द्वारा राइट्स खरीदे गए थे फिल्म में टोटल टो चौदह मिनट के गाने टोटल चार गाने थे जिसको कंपोज किया हुआ था अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने बैकग्राउंड स्कोर है वो जूलियस ने कंपोज किया हुआ था इस फिल्म का जो पहला सिंगल था साथिया उसको चौबीस अगस्त दो को रिलीज किया गया था सेकंड सिंगल को रब्बा उसको तीस अगस्त दो को रिलीज किया गया था और तीस अगस्त दो के बाद इस फिल्म के सभी गानों को वीडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया हुआ था पहला गाना यानी कि साथिया उसके लिरिक्स थे वो तनीस बागची ने लिखे हुए थे म्यूजिक भी तनीस बागची ने ही दिया हुआ था गाया हुआ था निखिल डिसूजा और सहरान खान ने दूसरा गाना रब्बा उसके लिरिक्स उमार मलिक ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ था डॉक्टर ज्योस ने और सुखविंदर सिंह ने उसको गाया हुआ था लापता वाले गाने को लिखा हुआ था रश्मि विराग ने म्यूजिक दिया था आदित्य देव ने और सिंगर थे पायल देव और देव नेगी तीसरा चौथा गाना तू दिस दे उसको गाया हुआ था हामिद अली ने और नकीब ने हुआ था म्यूजिक दिया था डॉक्टर जोयस ने और गाया हुआ था हामिद अली नकीबी ने तो इस तरह से इन चार गानों को तैयार करवाया गया था फिल्म के लिए जहाँ पे सभी गाने फिलहाल में आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो इस फिल्म को ओरिजिनली टाइटल मिशन सिंडोला दिया गया था बाद में चेंज करके कठपुतली रखा और रिलीज डेट थी वो उन्नीस अगस्त 2022 की सुनाई गई थी लेकिन उसके बाद में अक्षय कुमार की फिल्म में जिस तरह से 2022 में वर्क करे थे उसको देखते हुए इस फिल्म को बाद में ओ पे बेच दिया गया जहाँ पे ओ राइट्स डिजनी प्लस हॉटस्टार वालों ने बड़ी रकम देते हुए ख़रीदे और उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्टली ओ प्रीमियर करवाया दो सेप्टेम्बर दो को तो इस तरह से इस फिल्म को दो सेप्टेम्बर दो को ओ टी टी डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला हुआ था और आईएमडी पे करीबन 19000 वोट मिले हुए थे जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से तो अब बात कर लेते हैं किस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे सैटेलाइट और ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर उसके ऊपर तो इस फिल्म के सैटेलाइट और ओटीटी दोनों राइट्स स्टार नेटवर्क के ही पास है तो अगर आपको ये फिल्म टीवी पे देखनी है तो वो आपको देखने को मिलेगी स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर वहाँ पे ये फिल्म बिल्कुल फ्री में कटपुतली नाम से देखने को मिल जाएगी वहीं पे इस फिल्म के ओ टी टी डिजनी प्लस हॉस्टार के पास है तो ये फिल्म आपको कटपुतली नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन डिजनी प्लस हॉस्टार के ऊपर देखने को मिलेगी इसके अलावा एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस फिल्म को अगर आपको सेटेलाइट पर देखना है तो देखने को मिलेगी स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल बिल्कुल फ्री में वहीं पे डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन विथ इंग्लिश सबटाइटल टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा वहीं पे इस फिल्म के जो ओरिजिनल वर्जन है जैसे कि रक्षासन और रक्षा ये दोनों वर्जन हिंदी में डब हो चुके रक्षा को गुमनाम नाम दिया हुआ है रक्षासन को मैं दंड अधिकारी नाम दिया हुआ है और ये दोनों फिल्म में ऑफिशियली टीवी पे स्टार के नेट चैनल के ऊपर यानी कि स्टार उत्सव के ऊपर एक बार प्रीमियर करवाई गई थी मैं हूँ दंड अधिकारी को वहीं पे जी सिनेमा के ऊपर गुमनाम फिल्म को प्रीमियर करवाया गया था तो वहाँ पे इस फिल्म को ऑफिशियली एन्जॉय कर पाओगे तो बस गैज इस तरह से आप कठपुतली फिल्म का हिंदी वर्जन और साथ ही में ओरिजिनल रक्षासन और गुमनाम यानी कि रक्षा का जो हिंदी वर्जन है वो इंजॉय कर सकते हो कठपुतली जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है इस फिल्म का जो जोनर है वो है साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर जहाँ पे फिल्म एक रीमेक फिल्म है इस फिल्म को रसासन फिल्म से रीमेक किया गया है जो 2018 की तमिल लैंग्वेज फिल्म थी उस फिल्म को राम कुमार ने लिखा हुआ था रसासन एक कल्ट क्लासिक फिल्म है जहाँ पे वो एक स्लेशर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी विष्णु विशाल अमलापोल सर्वानंद लीड रोल में थे फिल्म का मीडियम काइंड ऑफ बजट था बी बॉक्स ऑफिस पे 20 से 30 करोड़ जितना कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा हिट का टैग लिया और उसके बाद में एक कल्ट क्लासिक फिल्म साबित हुई और उसके बाद में रसासन फिल्म का तमिल और हिंदी वर्जन सॉरी तेलुगु और हिंदी वर्जन में रीमेक किया गया जहाँ पर तेलुगु वर्जन में रक्षा सूडो नाम दिया गया उसको भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था वहीं पर हिंदी वर्जन को पहले मिशन सिंड्रेला नाम देने वाले थे लेकिन बाद में कठपुतली नाम के साथ अक्षय कुमार को लेते हुए रीमेक किया गया था तो रसासन फिल्म को वैसे तो फ्रेम बाय फ्रेम ही कॉपी किया गया कह सकते हैं लेकिन फिल्म को थोड़ा अलग लोकेशन में सेट किया हुआ है और हिंदी नेटिविटी के हिसाब से अक्षय कुमार का जो एक हो रहा है उसके हिसाब से स्क्रिप्टिंग में थोड़े चेंजेस किए हुए हैं तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रंजीत एम तिवारी ने कहानी कौसिम अरोरा ने डेवलप किया हुआ था हिंदी वर्जन के लिए स्क्रीन प्ले तुषा त्रिवेदी ने लिखा हुआ है और इतना स्टोरी तो राम कुमार की ही थी जिन्होंने रसासन को ही बनाया हुआ है इस फिल्म को एक मीडियम टू हाई बजट के साथ बनाया हुआ था करीबन सौ करोड़ के ऊपर का इस फिल्म का बजट बताया जा रहा है वहीं पे इस फिल्म को वासु भगनानी जेके भगनानी और दीप्सिका देशमुख ने मिलकर प्रोड्यूस किया हुआ था पूजा एंटरटेनमेंट के नीचे जिनको पहले थिएटर में इस फिल्म को रिलीज़ करने वाले थे लेकिन बाद में इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी के ऊपर प्रीमियर करवा दिया गया था जिसके डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स ओटीटी के डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों ने खरीदे हुए थे अब मैं आपको बता देता हूँ इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर तो अक्षय कुमार रकुलप्रीत सिंह जोश वाली क्लेयर आपको इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा चंद्रचूर सिंह सरगुन मेहता सुजीत शंकर जैसे दूसरे भी बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे जहाँ पे कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर है उसके ऊपर बातचीत करें तो एस आई अर्चन सेठी के रोल में अक्षय कुमार देखने को, को मिलेंगे दिव्या बक्सी के रोल में रकुलप्रीत सिंह देखने को मिलेगी इसके अलावा क्रिस्टोफर एग्निस फर्नांडिस के रोल में जोस्वा लेख देखने को मिलेंगे नरिंदर सिंह के रोल में चंद्रचोर सिंह देखने को मिलेंगे एस एच ओ गुड़िया परमार के रोल में सरगुन मेहता देखने को मिलेगी वहीं पे पुरुषोत्तम तोमार के रोल में सुजीत शंकर देखने को मिलेंगे हेड कांस्टेबल महेंद्र गुलेरिया के रोल में गुरप्रीत गुग्गी देखने को मिलेंगे ईसाई रविचंद्रन मच्छान के रोल में शाहिद लतीफ देखने को मिलेंगे सीमा सेठी सिंह के रोल में हरिशिता भट्ट देखने को मिलेगी पायल सिंह ने इस फिल्म में पायल सिंह वाला जो किरदार है वो रेना तेजानी ने प्ले किया हुआ है अजय रोशनी बेनीवाल के रोल में आपको सुहानी धंकी देखने को मिलेगी वहीं पर सोफिया के रोल में सुहानी से ने काम किया हुआ है शिल्पा सपने ने फिल्म में क्लास टीचर का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें काफी ज्यादा इंपोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं जो कहानी है उसमें इन सभी किरदारों का काफी इंपोर्टेंस आपको नजर आएगा इस फिल्म की लीड कास्ट मैंने आपको बता दी है अब टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक वो जूलियस पेकमेम ने क्रिएट किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर उन्होंने क्रिएट किया हुआ था वहीं पे जो गाने हैं वो तनीज बाग की डॉक्टर जियस और आदित्य देव ने मिलकर कंपोज किए हुए थे टोटल चार गाने थे फिल्म में जिसके राइट म्यूजिक कंपनी वालों ने काफी बड़ी रकम देते हुए खरीदे हुए थे इस फिल्म की एडिटिंग है वो चंदन अरोरा ने की हुई जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था जो एक सौ मिनट यानी कि दो घंटे और चौदह मिनट के आसपास के रन टाइम की देखने को मिलेगी इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी राजीव रवि ने की हुई है इसके अलावा इस फिल्म को जैसे कि मैंने कहा कि डायरेक्टली ओ टी पे प्रीमियर करवाया गया था जिसके राइटीज प्लस होस्टर वालों ने खरीदे हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो अक्टूबर 2018 में

नहीं दोनों सभी चीजें सेम है क्योंकि इनिशियली जो प्लॉट है वो सेम है इस फिल्म का जो पहला शेड्यूल है वो 21 अगस्त 2021 को यूके में स्टार्ट किया हुआ था अक्टूबर 2021 तक उसको वहाँ पे कंप्लीट करवाया गया था कोविड की वजह से इस फिल्म को अलग अलग, अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म का प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है बाद में फरवरी 2022 में रिज्यूम किया गया था मसूरी में इस फिल्म को पूरी तरह से वहाँ पर शूट किया गया था देहरादून में वहीं पर सत्रह फरवरी दो तक पूरी तरह से इस फिल्म को पेचवर के साथ रेप अप करवाया हुआ था साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा राइट्स खरीदे गए थे फिल्म में टोटल टो, टो चौदह मिनट के गाने टोटल चार गाने थे जिसको कंपोज किया हुआ था अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने बैकग्राउंड स्कोर है वो जूलियस ने कंपोज किया हुआ था था इस फिल्म का जो पहला सिंगल चौबीस अगस्त दो हजार बाईस को रिलीज किया गया था सिंगल को रब्बा उसको तीस अगस्त दो को रिलीज किया गया था और तीस अगस्त दो के बाद इस फिल्म के सभी गानों को वीडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया हुआ था पहला गाना यानी कि साथिया उसके लिरिक्स है वो तनीस बागची ने लिखे हुए थे म्यूजिक भी तनीस बागची ने ही दिया हुआ था गाया हुआ था निखिल डिसूजा और सहरान खान ने दूसरा गाना रब्बा उसके लिरिक्स उमार मलिक ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ था डॉक्टर जियोस ने और सुखविंदर सिंह ने उसको गाया हुआ था लापता वाले गाने को लिखा हुआ था रश्मि विराग ने म्यूजिक दिया था आदित्य देव ने और सिंगर थे पायल देव और देव नेगी तीसरा चौथा गाना तू दिस दे उसको गाया हुआ था हामिद अली ने और नकीब ने लिखा खा हुआ था म्यूजिक दिया था डॉक्टर जोयस ने और गाया हुआ था हामिद अली नकीबी ने तो इस तरह से इन चार गानों को तैयार करवाया गया था फिल्म के लिए जहाँ पे सभी गाने फिलहाल में आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज के ऊपर तो इस फिल्म को ओरिजिनली टाइटल मिशन सिंडेला दिया गया था बाद में चेंज करके कठपुतली रखा और रिलीज डेट थी वो उन्नीस अगस्त 2022 की सुनाई गई थी लेकिन उसके बाद में अक्षय कुमार की फिल्म में जिस तरह से 2022 में वर्क करी थे उसको देखते हुए इस फिल्म को बाद में ओ पे बेच दिया गया जहाँ पे ओ राइट्स डिजनी प्लस होस्टार वालों ने बड़ी रकम देते हुए ख़रीदे और उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्टली ओ प्रीमियर करवाया दो सेप्टेम्बर दो को तो इस तरह से इस फिल्म को दो सेप्टेम्बर दो को ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला हुआ था और आईएमडी पे करीबन 19000 वोट मिले हुए थे जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से तो अब बात कर लेते किस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे सैटेलाइट और ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर उसके ऊपर तो इस फिल्म के सैटेलाइट और ओटीटी दोनों राइट्स स्टार नेटवर्क के ही पास है तो अगर आपको ये फिल्म टीवी पे देखनी है तो वो आपको देखने को मिलेगी स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर वहाँ पे ये फिल्म बिल्कुल फ्री में कठपुतली नाम से देखने को मिल जाएगी वहीं पे इस फिल्म के ओटीटी राइट्स टी डिजनी प्लस हॉटस्टार के पास है तो ये फिल्म आपको कठपुतली नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्सन डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगी इसके अलावा एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस फिल्म को अगर आपको सेटेलाइट पर देखना है तो देखने को मिलेगी स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वहीं पे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा वहीं पे इस फिल्म के जो ओरिजिनल वर्जन है जैसे कि रसासन और रक्षासोडू ये दोनों वर्जन हिंदी में डब हो चुके रक्षासोडू को गुमनाम नाम दिया हुआ है रसासन को मैं हूं डांडाधिकारी नाम दिया हुआ है और ये दोनों फिल्म में ऑफिशियली टीवी पे स्टार के चैनल के ऊपर यानी कि स्टार उत्सव के ऊपर एक बार प्रीमियर करवाई गई थी मैं हूँ दंड अधिकारी को वहीं पे जी सिनेमा के ऊपर गुमनाम फिल्म को प्रीमियर करवाया गया था तो वहां पे इस फिल्म को ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे तो बस गैस इस तरह से आप कठपुतली फिल्म का हिंदी वर्जन और साथ ही में ओरिजिनल रक्षासन और गुमनाम यानी कि रक्षा का जो हिंदी वर्जन है वो इन्जॉय कर सकते हो कठपुतली जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है इस फिल्म का जो जोनर है वो है साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर जहाँ पे फिल्म एक रीमेक फिल्म है इस फिल्म को रसासन फिल्म से रीमेक किया गया है जो 2018 की तमिल लैंग्वेज फिल्म थी उस फिल्म को राम कुमार ने लिखा हुआ था रसासन एक कल्ट क्लासिक फिल्म है जहाँ पे वो एक स्लेशर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी विष्णु विशाल अमलापोल सर्वानंद लीड रोल में थे फिल्म का मीडियम काइंड ऑफ बजट था बी बॉक्स ऑफिस पे 20 से 30 करोड़ जितना कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा हिट का टैग लिया और उसके बाद में एक कल्ट क्लासिक फिल्म साबित हुई और उसके बाद में रसासन फिल्म का तमिल और हिंदी वर्जन सॉरी तेलुगु और हिंदी वर्जन में रीमेक किया गया जहाँ पे तेलुगु वर्जन में रक्षा सूडो नाम दिया गया उसको भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला था वहीं पे हिंदी वर्जन को पहले मिशन सिंड्रेला नाम देने वाले थे लेकिन बाद में कठपुतली नाम के साथ अक्षय कुमार को लेते हुए रीमेक किया गया था तो रसासन फिल्म को वैसे तो फ्रेम बाय फ्रेम ही कॉपी किया गया कह सकते हैं लेकिन फिल्म को थोड़ा अलग लोकेशन में सेट किया हुआ है और हिंदी नेटिविटी के हिसाब से अक्षय कुमार का जो एक हो है उसके हिसाब से स्क्रिप्टिंग में थोड़े चेंजेस किए हुए हैं तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रंजीत एम तिवारी ने कहानी कौसिम अरोरा ने डेवलप किया हुआ था हिंदी वर्जन के लिए स्क्रीन प्ले तुषा त्रिवेदी ने लिखा हुआ है ओरिजिनल स्टोरी तो राम कुमार की ही थी जिन्होंने रसासन को ही बनाया हुआ है इस फिल्म को एक मीडियम टू हाई बजट के साथ बनाया हुआ था करीबन सौ करोड़ के ऊपर का इस फिल्म का बजट बताया जा रहा है वहीं पर इस फिल्म को वासु भगनानी जेके भगनानी और दीपिका देशमुख ने मिलकर प्रोड्यूस किया हुआ था पूजा एंटरटेनमेंट के नीचे जिनको पहले थिएटर में इस फिल्म को रिलीज़ करने वाले थे लेकिन बाद में इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी के ऊपर प्रीमियर करवा दिया गया था जिसके डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स ओटीटी के डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों ने खरीदे हुए थे अब मैं आपको बता देता हूँ इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर तो अक्षय कुमार रकुलप्रीत सिंह जोश ले क्लेयर आपको इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा चंद्रचूर सिंह सरगुन मेहता सुजीत शंकर जैसे दूसरे भी बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे जहाँ पे कौन सा एक्टर कौन सा रोल कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो एस आई सेठी के रोल में अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे दिव्या बक्सी के रोल में रकुलप्रीत सिंह देखने को मिलेगी इसके अलावा क्रिस्टोफर एग्निस फर्नांडिस के रोल में जोस्वा लेख देखने को मिलेंगे नरिंदर सिंह के रोल में चंद्रशोर सिंह देखने को मिलेंगे एस एच ओ गुड़िया परमार के रोल में सरगुन मेहता देखने को मिलेगी वहीं पे पुरुषोत्तम तोमार के रोल में सुजीत शंकर देखने को मिलेंगे हेड कांस्टेबल महेंद्र गुलेरिया के रोल में गुरप्रीत गुग्गी देखने को मिलेंगे इस शायद रविचंद्रन मच्छान के रोल में शाहिद लतीफ देखने को मिलेंगे सीमा सेठी सिंह के रोल में हरिशिता भट्ट देखने को मिलेगी पायल सिंह ने इस फिल्म में पायल सिंह वाला जो किरदार है वो रेना तेजानी ने प्ले किया हुआ है आजय रोशनी बेनीवाल के रोल में आपको सुहानी धंकी देखने को मिलेगी वहीं पर सोफिया के रोल में सुहानी सेठी ने काम किया हुआ है शिल्पा सापनेकर ने फिल्म में क्लास टीचर का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म के प्रोमिनेट कास्ट है जिन्होंने इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए जो कहानी है उसमें इन सभी किरदारों का काफी इंपोर्टेंस आपको नजर आएगा इस फिल्म की लीड कास्ट मैंने आपको बता दी है अब टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक वो जूलियस पेकमेम ने क्रिएट किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर उन्होंने क्रिएट किया हुआ था वहीं पे जो गाने हैं वो तनीज बाग जी डॉक्टर जियस और आदित्य देव ने मिलकर कंपोज किए हुए थे टोटल चार गाने थे फिल्म में जिसके राइट्स सी म्यूजिक कंपनी वालों ने काफी बड़ी रकम देते हुए खरीदे हुए थे इस फिल्म की एडिटिंग है वो चंदन अरोरा ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को 134 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था तो 134 मिनट यानी कि फिल्म दो घंटे और चौदह मिनट के आसपास के रन टाइम की देखने को मिलेगी इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी राजीव रवि ने की हुई है इसके अलावा इस फिल्म को जैसे कि मैंने कहा कि डायरेक्टली ओ टी टी पे प्रीमियर करवाया गया था जिसके राइट डिजनी प्लस होस्टर वालों ने खरीदे हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो अक्टूबर 2018 में लीड एक्टर विष्णु विशाल जो रसासन फिल्म के लीड एक्टर थे उन्होंने कंफर्म किया था कि उनके पास हिंदी रिमिक राइट्स है लेकिन इनिशियली रिपोर्ट से क्लेम हुआ था कि इस फिल्म में आयुष्मान खुराना लीड रोल में होने वाले इस रिमेट में उनको अप्रोच किया जाने वाला है लेकिन जुलाई दो में एक और अनाउंसमेंट होती है जहाँ पर बताया जाता है कि अक्षय कुमार रकुलप्रीत सिंह इस फिल्म के लीड रोल में होने वाले जिसका हिंदी रिमेक में टाइटल होने वाला है मिशन सिंड्रेला कुछ लोगों ने कहा था कि तेलुगु रक्षा नाम था उस फिल्म का उन्होंने रिमेक राइट्स खरीदा हुआ था रक्षा के नहीं अब पता नहीं दोनों सभी चीजें सेम है क्योंकि इनिशियली जो प्लॉट है वो सेम है इस फिल्म का जो पहला शेड्यूल है वो 21 अगस्त 2021 को यूके में स्टार्ट किया हुआ था अक्टूबर 2021 तक उसको वहाँ पे कंप्लीट करवाया गया था कोविड की वजह से इस फिल्म को अलग अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म का प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी बाद में फरवरी 2022 में रिज्यूम किया गया था मसूरी में इस फिल्म को पूरी तरह से वहाँ पर शूट किया गया था देहरादून में वहीं पर सत्रह फरवरी दो तक पूरी तरह से इस फिल्म को पेचवर्क के साथ रेपअप करवाया हुआ था साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा राइट्स खरीदे गए थे फिल्म में टोटल टो, टो चौदह मिनट के गाने टोटल चार गाने थे जिसको कंपोज़ किया हुआ था अलग अलग म्यूज़िक डायरेक्टर ने बैकग्राउंड स्कोर है वो जूलियस पेकम ने कंपोज किया हुआ था इस फिल्म का जो पहला सिंगल था साथिया उसको चौबीस अगस्त दो को रिलीज़ किया गया था सेकंड सिंगल को रब्बा उसको तीस अगस्त दो को रिलीज़ किया गया था और तीस अगस्त दो के बाद इस फिल्म के सभी गानों को वीडियो फॉर्मेट में जी म्यूज़िक कंपनी के द्वारा बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया हुआ था पहला गाना यानी कि साथिया उसके लिरिक्स है वो तनिस बागची ने लिखे हुए थे म्यूजिक भी तनीस बागची ने ही दिया हुआ था गाया हुआ था निखिल डिसूजा और सहरान खान ने दूसरा गाना रब्बा उसके लिरिक्स ओमार मलिक ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ था डॉक्टर ज्योस ने और सुखविंदर सिंह ने उसको गाया हुआ था लापता वाले गाने को लिखा हुआ था रश्मि विराग ने म्यूजिक दिया था आदित्य देव ने और सिंगर थे पायल देव और देव नेगी तीसरा चौथा गाना तू दिस दे उसको गाया हुआ था हामिद अली ने और नकीब ने लिखा खा हुआ था म्यूजिक दिया था डॉक्टर ज्योस ने और गाया हुआ था हामिद अली नकीबी ने तो इस तरह से इन चार गानों को तैयार करवाया गया था फिल्म के लिए जहाँ पे सभी गाने फिलहाल में आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूज़िक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर तो इस फिल्म को ओरिजिनली टाइटल मिशन सिंडेला दिया गया था बाद में चेंज करके कठपुतली रखा और रिलीज डेट थी वो उन्नीस अगस्त 2022 की सुनाई गई थी लेकिन उसके बाद में अक्षय कुमार की फिल्म में जिस तरह से 2022 में वर्क करी थे उसको देखते हुए इस फिल्म को बाद में ओ पे बेच दिया गया जहाँ पे ओ राइट्स डिजनी प्लस होस्टार वालों ने बड़ी रकम देते हुए ख़रीदे और उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्टली ओ प्रीमियर करवाया दो सेप्टेम्बर दो को तो इस तरह से इस फिल्म को दो सेप्टेंबर दो को ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला हुआ था और आईएमडी पे तकरीबन 19000 वोट मिले हुए थे जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से तो अब बात कर लेते हैं किस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे सैटेलाइट और ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर उसके ऊपर तो इस फिल्म के सैटेलाइट और ओटीटी दोनों राइट्स स्टार नेटवर्क के ही पास है तो अगर आपको ये फिल्म टीवी पे देखनी है तो वो आपको देखने को मिलेगी स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर वहाँ पे ये फिल्म बिल्कुल फ्री में कठपुतली नाम से देखने को मिल जाएगी वहीं पे इस फिल्म के ओ टी टी राइट प्लस हॉटस्टार के पास है तो ये फिल्म आपको कठपुतली नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगी इसके अलावा एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस फिल्म को अगर आपको सेटेलाइट पर देखना है तो देखने को मिलेगी स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वहीं पे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा वहीं पे इस फिल्म के जो ओरिजिनल वर्जन है जैसे कि रत्सासन और रक्षासूडो ये दोनों वर्जन हिंदी में डब हो चुके रक्षासूडो को गुमनाम नाम दिया हुआ है रत्सासन को मैं हूं डांडाधिकारी नाम दिया हुआ है और ये दोनों फिल्म में ऑफिशियली टीवी पे स्टार के नेट चैनल के ऊपर यानी कि स्टार उत्सव के ऊपर एक बार प्रीमियर करवाई गई थी मैं दंड अधिकारी को वहीं पे जी सिनेमा के ऊपर गुमनाम फिल्म को प्रीमियर करवाया गया था तो वहाँ पे इस फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे तो बस गैज इस तरह से आप कठपुतली फिल्म का हिंदी वर्जन और साथ ही में ओरिजिनल रक्षासन और गुमनाम यानी कि रक्षा का जो हिंदी वर्जन है वो इंजॉय कर सकते हो कठपुतली जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है इस फिल्म का जो जोनर है वो है साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर जहाँ पे फिल्म एक रीमेक फिल्म है इस फिल्म को रसासन फिल्म से रीमेक किया गया है जो 2018 की तमिल लैंग्वेज फिल्म थी उस फिल्म को राम कुमार ने लिखा हुआ था रसासन एक कल्ट क्लासिक फिल्म है जहाँ पे वो एक स्लेसर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी विष्णु विशाल अमला सर्वानंद लीड रोल में थे फिल्म का मीडियम काइंड ऑफ बजट था बॉक्स ऑफिस पे 20 से 30 करोड़ जितना कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा हिट का टैग लिया और उसके बाद में एक कल्ट क्लासिक फिल्म साबित हुई और उसके बाद में रसासन फिल्म का तमिल और हिंदी वर्जन सॉरी तेलुगू और हिंदी वर्जन में रीमेक किया गया जहाँ पे तेलुगू वर्जन में रक्षा सूडू नाम दिया गया उसको भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला था वहीं पे हिंदी वर्जन को पहले मिशन सिंड्रेला नाम देने वाले थे लेकिन बाद में कठपुतली नाम के साथ अक्षय कुमार को लेते हुए रीमेक किया गया था तो रसासन फिल्म को वैसे तो फ्रेम बाय फ्रेम ही कॉपी किया गया कह सकते हैं लेकिन फिल्म को थोड़ा अलग लोकेशन में सेट किया हुआ है और हिंदी नेटिविटी के हिसाब से अक्षय कुमार का जो एक हो है उसके हिसाब से स्क्रिप्टिंग में थोड़े चेंजेस किए हुए हैं तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रंजित एम तिवारी ने कहानी कौसिम अरोरा ने डेवलप किया हुआ था हिंदी वजन के लिए स्क्रीन प्ले तो साथ त्रिवेदी ने लिखा हुआ है ओरिजनल स्टोरी तो राम कुमार की ही थी जिन्होंने रसासन को ही बनाया हुआ है इस फिल्म को एक मीडियम टू हाई बजट के साथ बनाया हुआ था करीबन सौ करोड़ के ऊपर का इस फिल्म का बजट बताया जा रहा है वहीं पर इस फिल्म को वासु भगनानी जेके भगनानी और दीप्सिका देशमुख ने मिलकर प्रोड्यूस किया हुआ था पूजा एंटरटेनमेंट के नीचे जिनको पहले थिएटर में इस फिल्म को रिलीज करने वाले थे लेकिन बाद में इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी के ऊपर प्रीमियर करवा दिया गया था जिसके डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स ओटीटी के डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों ने खरीदे हुए थे अब मैं आपको बता देता हूँ इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर तो अक्षय कुमार रकुलप्रीत सिंह जोश वाले क्लेयर आपको इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा चंद्रचूर सिंह सरगुन मेहता सुजीत शंकर जैसे दूसरे भी बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे जहाँ पे कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर है उसके ऊपर बातचीत करें तो एस आई सेठी के रोल में अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे दिव्या बक्सी के रोल में रकुलप्रीत सिंह देखने को मिलेगी इसके अलावा क्रिस्टोफर एग्निस फर्नांडिस के रोल में जोस्वा लेख देखने को मिलेंगे नरिंदर सिंह के रोल में चंद्रचोर सिंह देखने को मिलेंगे एस एच ओ गुड़िया परमार के रोल में सरगुन मेहता देखने को मिलेगी वहीं पे पुरुषोत्तम तोमार के रोल में सुजीत शंकर देखने को मिलेंगे हेड कांस्टेबल महेंद्र गुलेरिया के रोल में गुरप्रीत गुग्गी देखने को मिलेंगे इस शायद रविचंद्रन मच्छान के रोल में शाहिद लतीफ देखने को मिलेंगे सीमा सेठी सिंह के रोल में हरिशिता भट्ट देखने को मिलेगी पायल सिंह ने इस फिल्म में पायल सिंह वाला जो किरदार है वो रेना है, तेजानी ने प्ले किया हुआ है आजय रोशनी बेनीवाल के रोल में आपको सुहानी धंकी देखने को मिलेगी वहीं पर सोफिया के रोल में सुहानी सेठी ने काम किया हुआ है शिल्पा सापनेकर ने फिल्म में क्लास टीचर का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किया हुए जो कहानी है उसमें इन सभी किरदारों का काफ़ी इंपॉर्टेंस आपको नजर आएगा इस फिल्म की लीड कास्ट मैंने आपको बता दी है अब टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक वो जूलियस पेकमेम ने क्रिएट किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर उन्होंने क्रिएट किया हुआ था वहीं पे जो गाने हैं वो तनीज बाग जी डॉक्टर जियस और आदित्य देव ने मिलकर कंपोज किए हुए थे टोटल चार गाने थे फिल्म में जिसके राइट सी म्यूजिक कंपनी वालों ने काफी बड़ी रकम देते हुए खरीदे हुए थे इस फिल्म की एडिटिंग है वो चंदन अरोरा ने की हुई जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था एक सौ चौंतीस मिनट यानी कि फिल्म दो घंटे और चौदह मिनट के आसपास के रन टाइम की देखने को मिलेगी इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी राजीव रवि ने की हुई है इसके अलावा इस फिल्म को जैसे कि कि मैंने कहा डायरेक्टली प्रीमियर करवाया गया था जिसके वालों ने प्लस वालों खरीदे हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो अक्टूबर दो में लीड एक्टर विष्णु विशाल जो रसासन फिल्म के लीड एक्टर थे उन्होंने कन्फर्म किया था कि उनके पास हिंदी रिमिक राइट्स है लेकिन इनिशियली रिपोर्ट से क्लेम हुआ था कि इस फिल्म में आयुष्मान खुराना लीड रोल में होने वाले इस में उनको अप्रोच किया जाने वाला है लेकिन जुलाई 2021 में एक और अनाउंसमेंट होती है जहाँ पे बताया जाता है कि अक्षय कुमार रकुलप्रीत सिंह इस फिल्म के लीड रोल में होने वाले हैं जिसका हिंदी रीमेक में टाइटल होने वाला है मिशन सिंड्रेला कुछ लोगों ने कहा था कि तेलुगु रक्षा सूडो नाम था उस फिल्म का उन्होंने रीमेक राइट्स खरीदा हुआ था रसासन के नहीं अब पता नहीं दोनों सभी चीज़ें सेम है क्योंकि इनिशियली जो प्लॉट है वो सेम है इस फिल्म का जो पहला शेड्यूल है वो 21 अगस्त 2021 को यूके में स्टार्ट किया हुआ था अक्टूबर 2021 तक उसको वहाँ पे कंप्लीट करवाया गया था कोविड की वजह से इस फिल्म को अलग अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म का प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी बाद में फरवरी 2022 में रिज्यूम किया गया था मसूरी में इस फिल्म को पूरी तरह से वहाँ पर शूट किया गया था देहरादून में वहीं पर सत्रह फरवरी दो तक पूरी तरह से इस फिल्म को पेचवर के साथ रेपअप करवाया हुआ था साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा राइट्स खरीदे गए थे फिल्म में टोटल टो चौदह मिनट के गाने टोटल चार गाने थे जिसको कंपोज़ किया हुआ था अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने बैकग्राउंड स्कोर है वो जूलियस पेकम ने कंपोज किया हुआ था इस फिल्म का जो पहला सिंगल था साथिया उसको चौबीस अगस्त दो को रिलीज़ किया गया था सेकंड सीडी सिंगल को रब्बा उसको तीस अगस्त दो को रिलीज़ किया गया था और तीस अगस्त दो के बाद इस फिल्म के सभी गानों को वीडियो फॉर्मेट में जी म्यूज़िक कंपनी के द्वारा बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया हुआ था पहला गाना यानी कि साथिया उसके लिरिक्स है वो तनिस बागची ने लिखे हुए थे म्यूजिक भी तनीस बागची ने ही दिया हुआ था गाया हुआ था निखिल डिसूजा और सहरान खान ने दूसरा गाना रब्बा उसके लिरिक्स ओमार मलिक ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ था डॉक्टर जियस ने और सुखविंदर सिंह ने उसको गाया हुआ था लापता वाले गाने को लिखा हुआ था रश्मि विराग ने, ने म्यूजिक दिया था आदित्य देव ने और सिंगर थे पायल देव और देव ने नेगी तीसरा चौथा गाना तू दिस दे उसको गाया हुआ था हामिद अली ने और नकिब ने लिखा खा हुआ था म्यूजिक दिया था डॉक्टर ज्योस ने और गाया हुआ था हामिद अली नकीबी ने तो इस तरह से इन चार गानों को तैयार करवाया गया था फिल्म के लिए जहाँ पे सभी गाने फिलहाल में आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूज़िक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर तो इस फिल्म को ओरिजिनली टाइटल मिशन सिंड्रेला दिया गया था बाद में चेंज करके कठपुतली कर रखा और रिलीज डेट थी वो उन्नीस अगस्त 2022 की सुनाई गई थी लेकिन उसके बाद में अक्षय कुमार की फिल्म में जिस तरह से 2022 में वर्क करी थी उसको देखते हुए इस फिल्म को बाद में ओ पे बेच दिया गया जहाँ पे ओ राइट्स डिजनी प्लस होस्टार वालों ने बड़ी रकम देते हुए ख़रीदे और उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्टली ओ प्रीमियर करवाया दो सेप्टेम्बर दो को तो इस तरह से इस फिल्म को दो सेप्टेंबर दो को ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला हुआ था और आईएमडी पे करीबन उन्नीस हजार वोट मिले हुए थे जिसमें पाँच पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो अब बात कर लेते किस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे सैटेलाइट और ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर उसके ऊपर तो इस फिल्म के सैटेलाइट और ओ टी टी दोनों राइट्स स्टार नेटवर्क के ही पास है तो अगर आपको ये फिल्म टीवी पे देखनी है तो वो आपको देखने को मिलेगी स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर वहाँ पे ये फिल्म बिल्कुल फ्री में कटपुतली नाम से देखने को मिल जाएगी वहीं पे इस फिल्म के ओ टी टी राइट प्लस हॉटस्टार के पास है तो ये फिल्म आपको कटपुतली नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगी इसके अलावा एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस फिल्म को अगर आपको सेटेलाइट पर देखना है तो देखने को मिलेगी स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वहीं पे डिज्नी प्लस और स्टार के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा वहीं पे इस फिल्म के जो ओरिजिनल वर्जन है जैसे कि रक्षासन और रक्षा सोडू ये दोनों वर्जन हिंदी में डब हो चुके रक्षा सोडू को गुमनाम नाम दिया हुआ है रत्सासन को मैं दंड अधिकारी नाम दिया हुआ है और ये दोनों फिल्म में ऑफिशियली टीवी पे स्टार के नेट चैनल के ऊपर यानी कि स्टार उत्सव के ऊपर एक बार प्रीमियर करवाई गई थी मैं हूँ दंड अधिकारी को वहीं पे जी सिनेमा के ऊपर गुमनाम फिल्म को प्रीमियर करवाया गया था तो वहाँ पे इस फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे तो बस गैज इस तरह से आप कठपुतली फिल्म का हिंदी वर्जन और साथ ही में ओरिजिनल रक्षासन और गुमनाम यानी कि रक्षा का जो हिंदी वर्जन है वो इन्जॉय कर सकते हो कठपुतली जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है इस फिल्म का जो जोनर है वो है, है। साइकोलॉजिकलशासन फिल्म को फिल्म से रीमेक किया गया है जो 2018 की तमिल लैंग्वेज फिल्म थी उस फिल्म को राम कुमार ने लिखा हुआ था रसासन एक कल्ट क्लासिक फिल्म है जहाँ पे वो एक स्लेशर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी विष्णु विशाल अमलापोल सर्वानंद लीड रोल में थे फिल्म का मीडियम काइंड ऑफ बजट था बॉक्स ऑफिस पे 20 से 30 करोड़ जितना कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा हिट का टैग लिया और उसके बाद में एक कल्ट क्लासिक फिल्म साबित हुई और उसके बाद में रसासन फिल्म का तमिल और हिंदी वर्जन सॉरी तेलुगु और हिंदी वर्जन में रीमेक किया गया जहाँ पे तेलुगू वर्जन में रक्षा सुडू नाम दिया गया उसको भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था वहीं पर हिंदी वर्जन को पहले मिशन सिंड्रेला नाम देने वाले थे लेकिन बाद में कठपुतली नाम के साथ अक्षय कुमार को लेते हुए रीमेक किया गया था तो रन रसन फिल्म को वैसे तो फ्रेम बाई फ्रेम ही कॉपी किया गया कह सकते हैं लेकिन फिल्म को थोड़ा अलग लोकेशन में सेट किया हुआ है और हिंदी नेटिविटी के हिसाब से अक्षय कुमार का जो एक हो है उसके हिसाब से स्क्रिप्टिंग में थोड़े चेंजेस किए हुए हैं तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रंजीत एम तिवारी ने कहानी कौसिम अरोरा ने डेवलप किया हुआ था हिंदी वजन के लिए स्क्रीन प्ले तो साथ त्रिवेदी ने लिखा हुआ है ओरिजिनल स्टोरी तो राम कुमार की ही थी जिन्होंने रसासन को ही बनाया हुआ है इस फिल्म को एक मीडियम टू हाई बजट के साथ बनाया हुआ था करीबन सौ करोड़ के ऊपर का इस फिल्म का बजट बताया जा रहा है वहीं पर इस फिल्म को आशु भगनानी के भगनानी और दीप्शिका देशमुख ने मिलकर प्रोड्यूस किया हुआ था पूजा एंटरटेनमेंट के नीचे जिनको पहले थिएटर में इस फिल्म को रिलीज करने वाले थे लेकिन बाद में इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी के ऊपर प्रीमियर करवा दिया गया था जिसके डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स ओटीटी के डिज्नी प्लस होस्टल वालों ने खरीदे हुए थे अब मैं आपको बता देता हूँ इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर तो अक्षय कुमार रकुलप्रीत सिंह जोश वाले, क्लेयर आपको इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा चंद्रचूर सिंह सरगुन मेहता सुजीत शंकर जैसे दूसरे भी बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे जहाँ पे कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो एस आई अर्चन सेठी के रोल में अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे दिव्या बक्सी के रोल में रकुलप्रीत सिंह देखने को मिलेगी इसके अलावा क्रिस्टोफर एग्निस फर्नाडिस के रोल में जोस्वा लेख देखने को मिलेंगे नरिंदर सिंह के रोल में चंद्रशोर सिंह देखने को मिलेंगे एस एच ओ गुड़िया परमार के रोल में सरगुन मेहता देखने को मिलेगी वहीं पे पुरुषोत्तम तोमार के रोल में सुजीत शंकर देखने को मिलेंगे हेड कांस्टेबल महेंद्र कुलेर के रोल में गुरप्रीत गुग्गी देखने को मिलेंगे रविचंद्रन मच्छान के रोल में शायद लतीफ देखने को मिलेंगे सीमा सिंह के रोल में हरिशिता देखने को मिलेगी पायल सिंह ने इस फिल्म में पायल सिंह वाला जो किरदार है वो रेना है। ने प्ले किया हुआ है अजय रोशनी बेनीवाल के रोल में आपको धंकी देखने को मिलेगी वहीं पे सोफिया के रोल में सुहानी सुहा ने काम किया हुआ है शिल्पा सापनेकर ने इस फिल्म में क्लास टीचर का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें काफी इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए जो कहानी है उसमें इन सभी किरदारों का काफी इम्पोर्टेंस आपको नजर आएगा

दो घंटे और चौदह मिनट के आसपास के रन टाइम की देखने को मिलेगी इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी राजीव रवि ने की हुई है इसके अलावा इस फिल्म को जैसे कि कि मैंने कहा डायरेक्टली प्रीमियर करवाया गया था जिसके प्लस वालों ने प्लस वालों खरीदे हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो अक्टूबर 2018 में लीड एक्टर विष्णु विशाल जो रसासन फिल्म के लीड एक्टर थे उन्होंने कंफर्म किया था कि उनके पास हिंदी रिमिक राइट्स है लेकिन इनिशियली रिपोर्ट से क्लेम हुआ था कि इस फिल्म में आयुष्मान खुराना लीड रोल में होने वाले इस रिमेक में उनको अप्रोच किया जाने वाला है लेकिन जुलाई दो इस फिल्म के रोल में होने वाला है। जिसका हिंदी रिमेक में टाइटल होने वाला है कुछ लोगों ने कहा था तेलुगु रक्षा नाम था उस फिल्म का उन्होंने रिमेक राइट्स खरीदा हुआ था रसासन के नहीं अब पता नहीं दोनों सभी चीजें सेम है क्योंकि इनिशियली जो प्लॉट है वो सेम है इस फिल्म का जो पहला शेड्यूल है वो 21 अगस्त 2021 को यूके में स्टार्ट किया हुआ था अक्टूबर 2021 तक उसको वहाँ पे कंप्लीट करवाया गया था कोविड की वजह से इस फिल्म को अलग अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म का प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी बाद में फरवरी 2022 में रिज्यूम किया गया था मसूरी में इस फिल्म को पूरी तरह से वहाँ पर शूट किया गया था देहरादून में वहीं पर सत्रह फरवरी दो तक पूरी तरह से इस फिल्म को पेचवर के साथ रेपअप करवाया हुआ था साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा राइट्स खरीदे गए थे फिल्म में टोटल टो, टो चौदह मिनट के गाने टोटल चार गाने थे जिसको कंपोज़ किया हुआ था अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने बैकग्राउंड स्कोर है वो जूलियस पेकम ने कंपोज किया हुआ था इस फिल्म का जो पहला सिंगल था साथिया उसको चौबीस अगस्त दो को रिलीज़ किया गया था सेकंड सीडी सिंगल को रब्बा उसको तीस अगस्त दो को रिलीज़ किया गया था और तीस अगस्त दो के बाद इस फिल्म के सभी गानों को वीडियो फॉर्मेट में जी म्यूज़िक कंपनी के द्वारा बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया हुआ था पहला गाना यानी कि साथिया उसके लिरिक्स है वो तनिष बागची ने लिखे हुए थे म्यूजिक भी तनिष बागची ने ही दिया हुआ था गाया हुआ था निखिल डिसूजा और जहरान खान ने दूसरा गाना रब्बा उसके लिरिक्स उमार मलिक ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ था डॉक्टर ज्योस ने और सुखविंदर सिंह ने उसको गाया हुआ था लापता वाले गाने को लिखा हुआ था रश्मि विराग ने म्यूजिक दिया था आदित्य देव ने और सिंगर थे पायल देव और देव नेगी तीसरा चौथा गाना तू दिस दे उसको गाया हुआ था हामिद अली ने और नकीब ने लिखा हुआ था म्यूजिक दिया था डॉक्टर ने और गाया हुआ था हामिद अली नकीबी ने तो इस तरह से इन चार गानों को तैयार करवाया गया था फिल्म के लिए जहां पे सभी गाने में आपको वीडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के के ऑफिशियल चैनल ऊपर सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो इस फिल्म को ओरिजिनली टाइटल मिशन सिंडेला दिया गया था बाद में चेंज करके कठपुतली रखा और रिलीज डेट थे उन्नीस अगस्त 2022 की सुनाई गई थी लेकिन उसके बाद में अक्षय कुमार की फिल्म में जिस तरह से 2022 में वर्क करते थी उसको देखते हुए इस फिल्म को बाद में ओ पे बेच दिया गया जहाँ पे ओ राइट्स डिजनी प्लस हॉटस्टार वालों ने बड़ी रकम देते हुए ख़रीदे और उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्टली ओ प्रीमियर करवाया दो सेप्टेम्बर दो को तो इस तरह से इस फिल्म को दो सेप्टेंबर दो को ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला हुआ था और आईएमडी पे करीबन उन्नीस हज़ार वोट मिले हुए थे जिसमें पाँच पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो अब बात कर लेते किस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे सैटेलाइट और ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर उसके ऊपर तो इस फिल्म के सैटेलाइट और ओ दोनों राइट्स स्टार नेटवर्क के ही पास है तो अगर आपको ये फिल्म टीवी पे देखनी है तो वो आपको देखने को मिलेगी स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर वहाँ पे ये फिल्म बिल्कुल फ्री में कटपुतली नाम से देखने को मिल जाएगी वहीं पे इस फिल्म के ओ टी टी डिजनी प्लस हॉटस्टार के पास है तो ये फिल्म आपको कटपुतली नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगी इसके अलावा एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस फिल्म को अगर आपको सेटेलाइट पर देखना है तो देखने को मिलेगी स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वहीं पे डिज्नी प्लस और स्टार के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा वहीं पे इस फिल्म के जो ओरिजिनल वर्जन है जैसे कि रत्सासन और रक्षा सोडू ये दोनों वर्जन हिंदी में डब हो चुके रक्षा सोडू को गुमनाम नाम दिया हुआ है रत्सासन को मैं दंड अधिकारी नाम दिया हुआ है और ये दोनों फिल्म में ऑफिशियली टीवी पे स्टार के नेट चैनल के ऊपर यानी कि स्टार उत्सव के ऊपर एक बार प्रीमियर करवाई गई थी मैं हूँ दंड अधिकारी को वहीं पे जी सिनेमा के ऊपर गुमनाम फिल्म को प्रीमियर करवाया गया था तो वहाँ पे इस फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे तो बस गाय इस तरह से आप कठपुतली फिल्म का हिंदी वर्जन और साथ ही में ओरिजिनल रक्षासन और गुमनाम यानी कि रक्षा सोडू का जो हिंदी वर्जन है वो इंजॉय कर सकते हो कठपुतली जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है इस फिल्म का जो जोनर है वो है साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर जहाँ पे फिल्म एक रीमेक फिल्म है इस फिल्म को रसासन फिल्म से रीमेक किया गया है जो 2018 की तमिल लैंग्वेज फिल्म थी उस फिल्म को राम कुमार ने लिखा हुआ था रसासन एक कल्ट क्लासिक फिल्म है जहाँ पे वो एक स्लेसर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी विष्णु विशाल अमला सर्वानंद लीड रोल में थे फिल्म का मीडियम काइंड ऑफ बजट था बॉक्स ऑफिस पे 20 से 30 करोड़ जितना कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा हिट का टैग लिया और उसके बाद में एक कल्ट क्लासिक फिल्म साबित हुई और उसके बाद में रसासन फिल्म का तमिल और हिंदी वर्जन सॉरी तेलगु और हिंदी वर्जन में रीमेक किया गया जहाँ पे तेलुगू वर्जन में रक्षा सूडो नाम दिया गया उसको भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था वहीं पर हिंदी वर्जन को पहले मिशन सिंड्रेला नाम देने वाले थे लेकिन बाद में कठपुतली नाम के साथ अक्षय कुमार को लेते हुए रीमेक किया गया था तो रसा रसन फिल्म को वैसे तो फ्रेम बाई फ्रेम ही कॉपी किया गया कह सकते लेकिन फिल्म को थोड़ा अलग लोकेशन में सेट किया हुआ है और हिंदी नेटिविटी के हिसाब से अक्षय कुमार का जो एक हो है उसके हिसाब से स्क्रिप्टिंग में थोड़े चेंजेस किए हुए हैं तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रंजीत एम तिवारी ने कहानी कौशिम अरोरा ने डेवलप किया हुआ था हिंदी वर्जन के लिए स्क्रीन प्ले तो साथ त्रिवेदी ने लिखा हुआ है ओरिजिनल स्टोरी तो राम कुमार की ही थी जिन्होंने रसासन को ही बनाया हुआ है इस फिल्म को एक मीडियम टू हाई बजट के साथ बनाया हुआ था करीबन सौ करोड़ के ऊपर का इस फिल्म का बजट बताया जा रहा है वहीं पर इस फिल्म को वासु भगनानी जेके भगनानी और दीप्सिका देशमुख ने मिलकर प्रोड्यूस किया हुआ था पूजा एंटरटेनमेंट के नीचे जिनको पहले थिएटर में इस फिल्म को रिलीज़ करने वाले थे लेकिन बाद में इस फिल्म को डायरेक्टली ओ के ऊपर प्रीमियर करवा दिया गया था जिसके डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स ओ के डिजनी प्लस हॉटस्टार वालों ने खरीदे हुए थे अब मैं आपको बता देता हूँ इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर तो अक्षय कुमार रकुलप्रीत सिंह जोश ले क्लेयर आपको इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा चंद्रचूर सिंह सरगुन मेहता सुजीत शंकर जैसे दूसरे भी बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे जहाँ पे कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो एसआई अर्जुन सेठी के रोल में अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे दिव्या बक्सी के रोल में रकुलप्रीत सिंह देखने को मिलेगी इसके अलावा क्रिस्टोफर एग्निस फर्नांडिस के रोल में जोशवा लेख देखने को मिलेंगे नरिंदर सिंह के रोल में चंद्रचोर सिंह देखने को मिलेंगे एस एच ओ गुड़िया परमार के रोल में सरगुन मेहता देखने को मिलेगी वहीं पे पुरुषोत्तम तोमार के रोल में सुजीत शंकर देखने को मिलेंगे हेड कॉन्स्टेबल महेंद्र कुलेर के रोल में गुरप्रीत गुग्गी देखने को मिलेंगे ऐसा रविचंद्रन मच्छान के रोल में शायद लतीफ देखने को मिलेंगे सीमा सिंह के रोल में हरिशिता भट्ट देखने को मिलेगी पायल सिंह ने इस फिल्म में पायल सिंह वाला जो किरदार है वो रेना तेजानी ने प्ले किया हुआ है अजय रोशनी बेनीवाल के रोल में आपको धंकी देखने को मिलेगी वहीं पे सोफिया के रोल में सुहा ने काम किया हुआ है शिल्पा सपनेकर ने इस फिल्म में क्लास टीचर का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें काफी

रीमेक राइट्स से लेकिन इनिशियली रिपोर्ट से क्लेम हुआ था कि इस फिल्म में आयुष्मान खुराना लीड रोल में होने वाले इस रिमेक में उनको अप्रोच किया जाने वाला है लेकिन जुलाई दो में एक और अनाउंसमेंट होती है जहाँ पर बताया जाता है कि अक्षय कुमार रकुलप्रीत सिंह इस फिल्म के लीड रोल में होने वाले हैं जिसका हिंदी रीमेक में टाइटल होने वाला है मिशन सिंड्रेला कुछ लोगों ने कहा था कि तेलुगु रक्षा सुडो नाम था उस फिल्म का उन्होंने रीमेक राइट्स खरीदा हुआ था रसासन के नहीं अब पता नहीं दोनों सभी चीज़ें सेम है क्योंकि इनिशियली जो प्लॉट है वो सेम है इस फिल्म का जो पहला शेड्यूल है वो इक्कीस अगस्त 2021 को यूके में स्टार्ट किया हुआ था अक्टूबर 2021 तक उसको वहाँ पे कंप्लीट करवाया गया था कोविड की वजह से इस फिल्म को अलग अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म का प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी बाद में फरवरी 2022 में रिज्यूम किया गया था मसूरी में इस फिल्म को पूरी तरह से वहाँ पर शूट किया गया था देहरादून में वहीं पर सत्रह फरवरी दो तक पूरी तरह से इस फिल्म को पेचवर के साथ रेपअप करवाया हुआ था साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा राइट्स खरीदे गए थे फिल्म में टोटल टो, टो चौदह मिनट के गाने टोटल चार गाने थे जिसको कंपोज़ किया हुआ था अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने बैकग्राउंड स्कोर है वो जूलियस पेकम ने कंपोज किया हुआ था इस फिल्म का जो पहला सिंगल था साथिया उसको चौबीस अगस्त दो को रिलीज़ किया गया था सेकंड सीडी सिंगल को रब्बा उसको तीस अगस्त दो को रिलीज़ किया गया था और तीस अगस्त दो के बाद इस फिल्म के सभी गानों को वीडियो फॉर्मेट में जी म्यूज़िक कंपनी के द्वारा बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया हुआ था पहला गाना यानी कि साथिया उसके लिरिक्स है वो तनिष बागची ने लिखे हुए थे म्यूजिक भी तनिष बागची ने ही दिया हुआ था गाया हुआ था निखिल डिसूजा और जहरान खान ने दूसरा गाना रब्बा उसके लिरिक्स उमार मलिक ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ था डॉक्टर ज्योस ने और सुखविंदर सिंह ने उसको गाया हुआ था लापता वाले गाने को लिखा हुआ था रश्मि विराग ने म्यूजिक दिया था आदित्य देव ने और सिंगर थे पायल देव और देव नेगी तीसरा चौथा गाना तू दिस दे उसको गाया हुआ था हामिद अली ने और नकीब ने लिखा रखा हुआ था म्यूजिक दिया था डॉक्टर ज्योस ने और गाया हुआ था हामिद अली नकीबी ने तो इस तरह से इन चार गानों को तैयार करवाया गया था फिल्म के लिए जहाँ पे सभी गाने फिलहाल में आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूज़िक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर तो इस फिल्म को ओरिजिनली टाइटल मिशन सिंडेला दिया गया था बाद में चेंज करके कठपुतली रखा और रिलीज डेट थी 19 अगस्त 2022 की सुनाई गई थी लेकिन उसके बाद में अक्षय कुमार की फिल्म में जिस तरह से 2022 में वर्क करी थे उसको देखते हुए इस फिल्म को बाद में ओ पे बेच दिया गया जहाँ पे ओ राइट्स डिजनी प्लस होस्टार वालों ने बड़ी रकम देते हुए ख़रीदे और उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्टली ओ प्रीमियर करवाया दो सेप्टेम्बर दो को तो इस तरह से इस फिल्म को दो सेप्टेम्बर दो को ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला हुआ था और आईएमडी पे करीबन उन्नीस हजार वोट मिले हुए थे जिसमें पांच पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो अब बात कर लेते किस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे सैटेलाइट और ओटीटी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर उसके ऊपर तो इस फिल्म के सैटेलाइट और ओटीटी दोनों राइट्स स्टार नेटवर्क के ही पास है तो अगर आपको ये फिल्म टीवी पे देखनी है तो वो आपको देखने को मिलेगी स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर वहाँ पे ये फिल्म बिल्कुल फ्री में कटपुतली नाम से देखने को मिल जाएगी वहीं पे इस फिल्म के ओ टी राइट्स डिजनी प्लस हॉट स्टार के पास है तो ये फिल्म आपको कटपुतली नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्सन डिजनी प्लस हॉस्टार के ऊपर देखने को मिलेगी इसके अलावा एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस फिल्म को अगर आपको सेटेलाइट पर देखना है तो देखने को मिलेगी स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वहीं पे डिज्नी प्लस हो स्टार के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा वहीं पे इस फिल्म के जो ओरिजिनल वर्जन है जैसे कि रत्सासन और रक्षा सोडू ये दोनों वर्जन हिंदी में डब हो चुके हैं रक्षा सोडू को गुमनाम नाम दिया हुआ है रत्सासन को मैं दंड अधिकारी नाम दिया हुआ है और ये दोनों फिल्म में ऑफिशियली टीवी पे स्टार के नेट चैनल के ऊपर यानी कि स्टार उत्सव के ऊपर एक बार प्रीमियर करवाई गई थी मैं हूँ दंड अधिकारी को वहीं पे जी सिनेमा के ऊपर गुमनाम फिल्म को प्रीमियर करवाया गया था तो वहाँ पे इस फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे तो बस गाय इस तरह से आप कठपुतली फिल्म का हिंदी वर्जन और साथ ही में ओरिजिनल रक्षासन और गुमनाम यानी कि रक्षा सोड का जो हिंदी वर्जन है वो इन्जॉय कर सकते हो कठपुतली जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है इस फिल्म का जो जोनर है वो है साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर जहाँ पे फिल्म एक रीमेक फिल्म है इस फिल्म को रसासन फिल्म से रीमेक किया गया है जो 2018 की तमिल लैंग्वेज फिल्म थी उस फिल्म को राम कुमार ने लिखा हुआ था रसासन एक कल्ट क्लासिक फिल्म है जहाँ पे वो एक स्लेशर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी विष्णु विशाल अमलापोल सर्वानंद लीड रोल में थे फिल्म का मीडियम काइंड ऑफ बजट था बि बॉक्स ऑफिस पे 20 से 30 करोड़ जितना कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा हिट का टेग लिया और उसके बाद में एक कल्ट क्लासिक फिल्म साबित हुई और उसके बाद में रसासन फिल्म का तमिल और हिंदी वर्जन सॉरी तेलुगु और हिंदी वर्जन में रीमेक किया गया जहाँ पे तेलुगू वर्जन में रक्षा सूडो नाम दिया गया उसको भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था वहीं पर हिंदी वर्जन को पहले मिशन सिंड्रेला नाम देने वाले थे लेकिन बाद में कठपुतली नाम के साथ अक्षय कुमार को लेते हुए रीमेक किया गया था तो रसा फिल्म को वैसे तो फ्रेम बाई फ्रेम ही कॉपी किया गया कह सकते है। लेकिन फिल्म को थोड़ा अलग लोकेशन में सेट किया हुआ है और हिंदी नेटिविटी के हिसाब से अक्षय कुमार का जो एक हो है उसके हिसाब से स्क्रिप्टिंग में थोड़े चेंजेस किए हुए हैं तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रंजित एम तिवारी ने कहानी कौसिम अरोरा ने डेवलप किया हुआ था हिंदी वजन के लिए स्क्रीन प्ले तो साथ त्रिवेदी ने लिखा हुआ है ओरिजिनल स्टोरी तो राम कुमार की ही थी जिन्होंने रसासन को ही बनाया हुआ है इस फिल्म को एक मीडियम टू हाई बजट के साथ बनाया हुआ था करीबन सौ करोड़ के ऊपर का इस फिल्म का बजट बताया जा रहा है वहीं पर इस फिल्म को वासु भगनानी के भगनानी और दीप्सिका देशमुख ने मिलकर प्रोड्यूस किया हुआ था पूजा एंटरटेनमेंट के नीचे जिनको पहले थिएटर में इस फिल्म को रिलीज करने वाले थे लेकिन बाद में इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी के ऊपर प्रीमियर करवा दिया गया था जिसके डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स ओटीटी के डिज्नी प्लस होस्टल वालों ने खरीदे हुए थे अब मैं आपको बता देता हूँ इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर तो अक्षय कुमार रकुलप्रीत सिंह जोश वाले क्लेयर आपको इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा चंद्रचूर सिंह सरगुन मेहता सुजीत शंकर जैसे दूसरे भी बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे जहाँ पे कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो एसआई अर्जुन सेठी के रोल में अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे दिव्या बक्सी के रोल में रकुल प्रीत सिंह देखने को मिलेगी इसके अलावा क्रिस्टोफर एग्निस फेरनाडिस के रोल में जोशवा लेख देखने को मिलेंगे नरिंदर सिंह के रोल में चंद्रचोर सिंह देखने को मिलेंगे एस एच ओ गुड़िया परमार के रोल में सरगुन मेहता देखने को मिलेगी वहीं पे पुरुषोत्तम तोमार के रोल में सुजीत शंकर देखने को मिलेंगे हेड कांस्टेबल महेंद्र कुलेर के रोल में गुरप्रीत कुग्गी देखने को मिलेंगे ईसा रविचंद्रन मच्छान के रोल में शायद लतीफ देखने को मिलेंगे सीमा सेती सिंह के रोल में हरिशिता भट्ट देखने को मिलेगी पायल सिंह ने इस फिल्म में पायल सिंह वाला जो किरदार है वो है। तेजानी ने प्ले किया हुआ है अजय रोशनी बेनीवाल के रोल में आपको सुहांकी देखने को मिलेगी वहीं पर सोफिया के रोल में सुहा ने काम किया हुआ है शिल्पा सपनेकर ने इस फिल्म में क्लास टीचर का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए जो कहानी है उसमें इन सभी किरदारों का काफी इंपोर्टेंस आपको नजर आएगा

फिल्म दो घंटे और चौदह मिनट के आसपास के रन टाइम की देखने को मिलेगी इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी राजीव रवि ने की हुई है इसके अलावा इस फिल्म को जैसे कि कि मैंने कहा डायरेक्टली प्रीमियर करवाया गया था जिसके प्लस हॉटस्टार वालों ने खरीदे हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो अक्टूबर 2018 में लीड एक्टर विष्णु विशाल जो रसासन फिल्म के लीड एक्टर थे उन्होंने कंफर्म किया था कि उनके पास हिंदी राइट लेकिन इनिशियली रिपोर्ट से क्लेम हुआ था कि इस फिल्म में आयुष्मान खुराना लीड रोल में होने वाले

इस फिल्म का जो पहला शेड्यूल है वो 21 अगस्त 2021 को यूके में स्टार्ट किया हुआ था अक्टूबर 2021 तक उसको वहाँ पे कंप्लीट करवाया गया था कोविड की वजह से इस फिल्म को अलग अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म का प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी बाद में फरवरी 2022 में रिज्यूम किया गया था मसूरी में इस फिल्म को पूरी तरह से वहाँ पर शूट किया गया था देहरादून में वहीं पर सत्रह फरवरी दो तक पूरी तरह से इस फिल्म को पेचवर के साथ रेप अप करवाया हुआ था साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा राइट्स खरीदे गए थे फिल्म में टोटल टो, टो चौदह मिनट के गाने टोटल चार गाने थे जिसको कंपोज़ किया हुआ था अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने बैकग्राउंड स्कोर है वो जूलियस पेकम ने कंपोज किया हुआ था इस फिल्म का जो पहला सिंगल था साथिया उसको चौबीस अगस्त दो को रिलीज़ किया गया था सेकंड सिंगल को रब्बा उसको तीस अगस्त दो को रिलीज़ किया गया था और तीस अगस्त दो के बाद इस फिल्म के सभी गानों को वीडियो फॉर्मेट में जी म्यूज़िक कंपनी के द्वारा बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया हुआ था पहला गाना यानी कि साथिया उसके लिरिक्स है वो तनिष बागची ने लिखे हुए थे म्यूजिक भी तनिष बागची ने ही दिया हुआ था गाया हुआ था निखिल डिसूजा और जहरान खान ने दूसरा गाना रब्बा उसके लिरिक्स उमार मलिक ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ था डॉक्टर ज्योस ने और सुखविंदर सिंह ने उसको गाया हुआ था लापता वाले गाने को लिखा हुआ था रश्मि विराग ने म्यूजिक दिया था आदित्य देव ने और सिंगर थे पायल देव और देव नेगी तीसरा चौथा गाना तू दिस दे उसको गाया हुआ था हामिद अली ने और नकीब ने लिखा रखा हुआ था म्यूजिक दिया था डॉक्टर जियस ने और गाया हुआ था हामिद अली नकीबी ने तो इस तरह से इन चार गानों को तैयार करवाया गया था फिल्म के लिए जहाँ पे सभी गाने फिलहाल में आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूज़िक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो इस फिल्म को ओरिजिनली टाइटल मिशन सिंडेला दिया गया था बाद में चेंज करके कठपुतली रखा और रिलीज डेट थी वो उन्नीस अगस्त 2022 की सुनाई गई थी लेकिन उसके बाद में अक्षय कुमार की फिल्म में जिस तरह से 2022 में वर्क करी थे उसको देखते हुए इस फिल्म को बाद में ओ पे बेच दिया गया जहाँ पे ओ राइट्स डिज्नी प्लस होस्टार वालों ने बड़ी रकम देते हुए ख़रीदे और उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्टली ओ प्रीमियर करवाया दो सेप्टेम्बर दो को तो इस तरह से इस फिल्म को दो सेप्टेम्बर दो को ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला हुआ था और आईएमडी पे करीबन उन्नीस हज़ार वोट मिले हुए थे जिसमें पाँच पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो अब बात कर लेते किस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे सैटेलाइट और ओटीटी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर उसके ऊपर तो इस फिल्म के सैटेलाइट और ओटीटी दोनों राइट्स स्टार नेटवर्क के ही पास है तो अगर आपको ये फिल्म टीवी पे देखनी है तो वो आपको देखने को मिलेगी स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर वहाँ पे ये फिल्म बिल्कुल फ्री में कठपुतली नाम से देखने को मिल जाएगी वहीं पे इस फिल्म के ओ टी राइट्स डिजनी प्लस हॉटस्टार के पास है तो ये फिल्म आपको कठपुतली नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगी इसके अलावा एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस फिल्म को अगर आपको सेटेलाइट पर देखना है तो देखने को मिलेगी स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वहीं पर डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा वहीं पे इस फिल्म के जो ओरिजिनल वर्जन है जैसे कि रत्सासन और रक्षा सोडू ये दोनों वर्जन हिंदी में डब हो चुके है रक्षा सोडू को गुमनाम नाम दिया हुआ है रत्सासन को मैं हूं दंड अधिकारी नाम दिया हुआ है और ये दोनों फिल्में ऑफिशियली टीवी पे स्टार के नेट चैनल के ऊपर यानी कि स्टार उत्सव के ऊपर एक बार प्रीमियर करवाई गई थी मैं हूँ अधिकारी को वहीं पे जी सिनेमा के ऊपर गुमनाम फिल्म को प्रीमियर करवाया गया था तो वहाँ पे इस फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे तो बस गैज इस तरह से आप कठपुतली फिल्म का हिंदी वर्जन और साथ ही में ओरिजिनल रक्षासन और गुमनाम यानी कि रक्षा का जो हिंदी वर्जन है वो इन्जॉय कर सकते हो तो बस गए कठपुतली फिल्म के रिगार्डिंग जो भी बेहतरीन जो बातें थी जो इंटरेस्टिंग तथ्य थे साथ ही में फिल्म से जुड़े छोटे मोटे जो एक फैक्ट्स थे वो भी शेयर किए हुए परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत की फिल्म को कैसे ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे उसकी जानकारी दी हुई है तो कैसे आप ऑफिशियली इंजॉय कर सकते हो सभी वजन में उसकी भी एक प्रॉपर डिटेलिंग दे दिए तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू